देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, कॉमेडी देखने के लिए, उस सब के लिए डाटा रहा है, पढ़ने के लिए डाटे नहीं रहता है ना। चलो मिलो, थोड़ा हुआ से हवा मार दल के यहाँ, गजब इंसान है। अच्छा जाओ लगा के आओ तुम, गेट खींचाएगा था ना रसे। चलो तो ऑनलाइन वाले आज इंग्लिश मीडियम का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे कागज के लिए इतना रहता है, खाली हिंदी हिंदी, खाली हिंदी, ठीक है। चलो तो आज अंग्रेज बन जाओ। देखो तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स या रेडिएशन उसको बोलते हैं। देखो इससे पहले खूब लड़ाई होता है, जैसे न्यूटन साहब आते हैं तो कहते हैं रे के रूप में चलेगा, पार्टिकल के रूप में है, हाइगेंस वेव ऑप्टिक्स में, तभी तो वेव आपको हम नहीं पढ़ाए हैं बट बता देते हैं, उसमें हाइगेंस बताए कि नहीं नहीं वेव के रूप में है। लेकिन फिर मैक्स प्लांक साहब आए, क्वांटम साहब आए, आइंस्टीन आए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है ना। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जब काम होना शुरू हुआ तो वेव भी फेल कर गया, वहां पर पार्टिकल नेचर ही मैंने शो कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वहां आइंस्टीन ने प्रूफ किया उसको, तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर उसको प्रूफ किए। लेकिन प्रूफ तो किए, लेकिन रिलेशन जो निकाले कि नहीं नहीं तुम लोग बेकार का लड़ रहे हो कि भाई पार्टिकल है और वेव है, तो एक आए डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब उसका एक रिलेशन को निकाल दिया कि जो हमारा मैटर होता है वो कभी कभी क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी, उसका रिलेशन निकाल। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करके डी ब्रोगली नहीं बताए, वो रिलेशन खाली बताए, हाइपोथेसिस दिए वो अपना, ठीक है ना, संकल्पना विचार दिए, लेकिन प्रूफ की एक्सपेरिमेंटल डेविसन और जर्मर वे थे जो उसको एकदम दिखा दिए। तो लास्ट में वही टॉपिक पढ़ेंगे डेविसन और जर्मर, उसके पहले डी ब्रोगली पढ़ेंगे, उससे पहले हाइगेंस हम लोग वेव में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें, दो दो नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, फाइव मार्क्स में भी आते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन फाइव मार्क्स का बनता है और प्रयास करेंगे, अगर लिखने का टेंशन कम है तो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी एक चैप्टर, टेंशन नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, बाद में देख लीजिएगा। देखो तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर, हेडलाइन चैप्टर का नाम रहेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर जो होता है हमारा वो दो नेचर का होता है, वो पार्टिकल नेचर का भी होता है, वेव नेचर्स का भी होता है, उसी के बारे में आज विस्तार से पढ़ें। देखो तो सबसे पहले हम लोग का जो हेडलाइन है इलेक्ट्रॉन इमिशन, उत्सर्जन हिंदी में बोलते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो निकलना, उत्सर्जन। तो देखो तो देहाती में क्या अंग्रेजी मेरे, अच्छा अंग्रेजी में, देखो तो यहाँ पर कहा जा रहा है और कुछ एरर भी है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा और अपना में शुद्ध करिएगा थोड़ा सा, ये रेडिएशन है, ठीक है ना, जहां तनी मनी रहेगा उसको हम देख लेंगे, उतना तो आप होशियार है। ये देखिए देखो तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो वही कह रहा, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो देखो यानी यहां पर अगर एक बात कहें तो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, किसका, इजेक्शन ऑफ, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस कहाँ से, तो मेटल सरफेस से, किसके द्वारा, तो एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा। अगर मान लो कि ये हमारे पास कोई मेटल है जैसे लोहा, आयरन, सिंपल भाषा में तो आयरन वाला यहाँ नहीं निकलता है, यहाँ एक तरह से जिंक वगैरह रहता है, तो अब यहाँ पर आपने एनर्जी दिया, तो जब एनर्जी दोगे ना तो इसमें जो मेटल है ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, तो यही इजेक्ट होता है, इजेक्शन। तो कैसे इजेक्ट हुआ, तो एक्सटर्नल कोई ना कोई एनर्जी हम देते हैं
तब इलेक्ट्रॉन हमारा निकलता है, तो वही प्रोसेस कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इतना तो समझ सकते हैं आप। लेकिन अब टाइप्स ऑफ इमिशन है कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता थर्मियोनिक इमिशन, तो थर्मल समझते ना, हीट से आपका आ रहा है, तो आप उसको में क्या करोगे, हीट दोगे, हीट गर्म करोगे। जैसे मान लो कि अभी ठंडी के मौसम है, तो हम लोग कभी कभी आग को तापने का भी काम करते हैं, तो उस टाइम हम लोग को आग में हाथों डाल के निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडी में। लेकिन गर्मी में गर्म चीज दूर भी रहता है तब पर हटाता है कि नहीं, गर्म है ना। जैसे मान लो कि रोटी बनाने वाला तावा, अब आपको सटाई नहीं इसके नजदीक लाए, सटाना नहीं है, सटाना नहीं है तो भी आपको पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। तो आपने क्या दिया, हीट दिया। एकरा में तो जानता है कि छोटे छोटे सेल है तो एटमो तो होगा, खाली बायोलॉजी थोड़े चलता है, एटम भी चलता है। तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन कहीं निकलना शुरू होगा तो पिघलना शुरू नहीं। अरे मान लो गर्मी तो देगा तो पिघलना, मोमबत्ती समझ, मोमबत्ती तो मोमबत्ती को गर्मी दो, हीट दो, तो वहां से क्या होगा, निकलना शुरू, पिघलना शुरू, यानी हीट से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वही चीज है यहाँ, अगर वही कहता द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस बाय द हीटिंग, हीट करने के द्वारा, हीट करेंगे तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। हीट भी तो एक ऊर्जा है ना, एक्सटर्नल एनर्जी दिए, तो क्या कहलाएगा, थर्मियोनिक इमिशन कहलाएगा। क्लियर है? तो देखो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वही कर रहा है, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मियोन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता उसी को कहा थर्मियोन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया ये गो टाइप्स थर्मोनिक इमिशन। अब हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो, फोटो माने लाइट, प्रकाश। तो ही कह रहा था द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस बाय फॉलिंग लाइट ऑन इट, यानी लाइट हम देते हैं, जैसे सन का लाइट है, तो सन का लाइट अगर सरफेस पर पड़ेगा तो भी हीट होता है, तो वहां से भी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो थर्म क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, एक होता है फील्ड इमिशन। ये फील्ड इमिशन क्या होता है, तो देखो, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेल वगैरह समझते ना, सेल, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई पहले से ऐसे मान लो जब एक वैक्यूम ट्यूब वगैरह बना सकते हो, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, खूब पढ़ते हैं ये सब। ठीक है ना, तो ये मान लो कि एगो सेल दी है, इसे सेल, ये प्लस ये माइनस, या कोई जरूरी नहीं उल्टा भी कर सकते, माइनस प्लस सेल में। ठीक है ना, तो अब यहां से इसको मान लो कि क्या है, एक तरह से फील्ड मिला ना, तब एकरा में कुछ प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो खींचेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो। देखो नहीं समझ में, फिर से देखो, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को दे दो, जैसे सिंपल भाषा में कोई मान लो चालक है, जैसे ये हमारे पास कोई इसमें ढेर सारे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब इसको देगा तुम क्या, प्लस और माइनस जोड़, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां से निकलना चाहेगा अपना, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वही क्या हमारा क्या हो? एक तरह से कहो तो फील्ड एमिशन, माने फील्ड के द्वारा एक्सटर्नल फील्ड, पढ़े ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलना माने क्या, निकलना, इलेक्ट्रॉन चलना का मतलब ही क्या, इलेक्ट्रॉन निकलना। और ना समझ में, और बढ़िया से समझो, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, आइए मान लो कि निगेटिव प्लेट है, आइए इसको तू बैटरी से और जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ दिया निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे, आई मान लो एक ट्यूब टाइप्स के है ऐसे, तो अब ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो ये निगेटिव है यानी है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता होगा, मान लो तो एक तरह से चार फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब ये प्लस क्या खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को इधर बुलाएगा, आओ आओ इसमें से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलना वही तो है आपका इजेक्शन, तो किसके द्वारा, फील्ड के द्वारा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो होता है सेकेंडरी इमिशन की बात कर रहा है, तो देखो ये सेकेंडरी क्या होता है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनों को डाल दिए, इलेक्ट्रॉनों को मैं किसी तरह डाल दिया,
जैसे बमबारी कराते हैं ना, पढ़े होंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल्स, तो वहां इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को बमबारी कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन को फेंके, इलेक्ट्रॉन को फेंके मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन को फेंके इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो फेंके वो प्राइमरी या जो निकला वो सेकेंडरी। जैसे मान लो कोई सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फेंका, एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको फेंका ये निकल गया। एगो जैसे पेंसिल देखा होगा, पेंसिल एगो आता है आगे से निकाल के पीछे डालने वाला, नहीं आता है, आगे से निकालता है पीछे से नहीं डालता है, तो क्या है, आगे से निकालोगे या पीछे से डालोगे तो ऑटोमेटिक निकल जाता है, वही आया एगो गया, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो वही जो इधर से डलाया वो प्राइमरी और जो निकल गया सेकेंडरी। अरे देखो दिमाग में रह जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस फॉलिंग फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑन इट, अगर कोई आया फास्ट में तो निकल गया फास्ट, समझ रहा है ना। चलो अब देखो, अब दूसरी बात क्या, वर्क फंक्शन, ये बहुत बार आते रहता है। देखो अब जब निकलता है ना कोई चीज, अब जैसे मान लो सिंपल, कभी गांव घर जाते होगे ना तो आपको तनी इज्जत पानी अभी मिलती है, इसलिए मिलती है कि अभी पटना में रहते हैं ना, कभी कभी कुर्सी उर्सी भी मिल जाती है, और छोटे छोटे जो भाई वही रहता है वो तुम्हारा मदद करता है अभी, ठीक है ना, रिजल्ट खराब होगा तो देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी तक मदद मिल रहे हैं आपको। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता होगा, कोई सामान लाना है तो बुलाहटा आपको आ रहा है और बैठे उठे हैं, तो आपसे जो छोटा है या जो कमजोर है, अरे जो पहुंचा दो ये सामान, ठीक है ना, अब क्या करते पहुंचा दो, पहले फटाफट ना तू जाओ, ना तू जाओ, अगर जोड़ा पाड़ी है तू जाओ, कभी कभी हम तो जखनी गेबे के तब तू जाओ, ठीक है ना, तो आपस में पहले बहस चलता है, ठीक है ना, तो वो तब तक हो जाता देर, तब तक मम्मी से फिर अब अरे तो नहीं अभी तक सुना नहीं है ना, तो कहेगा तुहनी बैठल बैठल का करता है, तो खता है ना, बैठल बैठल टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बैठल बैठल लड़ रहा है, तो लड़ रहा है तो कुछ ना कुछ क्या है, आपस में पहले लड़ाई हुआ कैसे, जाने के लिए, जाने के लिए लड़ाई हो रहा है आपस में, तो वहां भी तो एनर्जी का लॉस है, तो कुछ ना कुछ निकलने के लिए वर्क कर रहा है, अब निकल भी गया तो अब कहता जाए कैसे, जाने के लिए और एनर्जी चाहिए, तो गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, कुछ चाहिए, तो निकलने में जो एनर्जी लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकलने में, अभी गया नहीं निकला, कहे कि अब मान लो चार कुर्सी है पांचों आदमी है, तो एगो निकलेगा तभी ना को बैठेगा, है तो एगो को निकालने में भी खींचा खींचो है, एरा उठा के हटा, तो तू हट, अब बेचारा वो खड़ी होगा तो मजबूरी में चल जाता है, तो बैठो, देखे होंगे ऐसे सिचुएशन भी आ जाते हैं, तो एगो को निकलने में जो एनर्जी का खपत होता है वो वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकलने में भी कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, तो वही कह रहा है क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी वहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो जो वो मिनिमम सबसे कम एनर्जी होगा उतना में वो निकलेगा, तो निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही हमारा वर्क फंक्शन है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी ही तो चाहिए, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, हम लोग जानते हैं सबसे कम जो होता है हमारा क्या कहते हैं सोडियम का या सीजियम का, एक भी होता है सीजियम के, सोडियम ही शायद होता है, और सबसे ज्यादा प्लेटेनियम का होता है, मैंने ये हार्ड होता है ना, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। चलो तो क्या, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल, यानी कैसा मेटल उस पर डिपेंड करेगा, अब ऐसा नहीं है आयरन है कॉपर है सिल्वर है, तो सबका अलग अलग गुण होता है ना इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, कोई जल्दी हीट हो जाता है, कोई देर से हीट होता है, तो ही कहता है इट वैरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर, हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, तो ये वर्क फंक्शन एक दूगो का एग्जाम्पल में दे ले आपको। अब जैसे देखिए ये मेन क्वेश्चन यहाँ से ये है, ये सब दो दो नंबर में कभी कभी नजर आया, पूछ दिया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ठीक है ना, फील्ड इमिशन क्या है, तो सबको ध्यान रख देना है खाली। अब वर्क फंक्शन भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या कर रहा था, फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी लाइट देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, माने हमको
लाइट मिलेगा तो ये क्या होगा हमको एनर्जी इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट भी होता है ना, तो द करंट प्रोड्यूस्ड उस टाइम जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा जो करंट इफेक्ट हो माने करंट जो प्रोड्यूस्ड होगा उसको बोलेंगे फोटो करंट ना है। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट हो गया फोटो करंट। अब देखो यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो हम फिगर बनाएंगे, आप भी बना लीजिएगा, इसे आप पहले से केमिस्ट्री में बनाए भी होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप्स का है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नोट्स जो मिलेगा उसमें जैसे यहाँ ब्लैंक है वैसे ब्लैंक रहेगा, तो आपको वहाँ भर लेना है, ताकि फिगर बनल बनावल मिल जाता ना तो राजा हो जाता है, तो हम राजा नहीं बनाना है, हमको गरीब बनाना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा इंसान होगा कहेगा हमारा खाली नोट्स चाहिए, नोट्स वाला कोई फायदा नहीं होगा, ताकि फिगर हम बना ही नहीं देते हैं, जान के नहीं देते हैं, ताकि जान के देंगे तो बंटवारा होगा फिगर का, फिगर बनाने के लिए पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर परमानेंट दिमाग में नहीं रहेगा। चलो तो फिगर हम बनाते हैं, और आप भी कॉपी पर बनाइए, हेडलाइन लिखिए, कहे कि नहीं बनाइएगा तो फिर घर जाकर भुला जाइएगा, ठीक है ना। अब देखो जो ज्यादा होशियार हो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। बात नहीं बात नहीं बात नहीं, देखो इस तरह से फिगर बना लो पहले,
यहाँ बना लो कॉपी में, फिर वहां नोट्स में बना लेना पेंसिल से, दो बार बना लेगा तो फिक्स हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। को जो ना कि 1000 इलेक्ट्रॉन निकालना, दो चार को भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। हो गया, लिख लिया। देखो इसमें क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है ना, तो उसमें एक यहाँ विंडो है, विंडो मैंने खिड़की समझता है ना, तो कोई जरूर नहीं ऐसा ही आकार का है, वो कैसा हूँ बना सकता है ऐसा कुछ। एक फिल्टर लगाया जाता है कि जो लाइट आवे उसको फिल्टर करके दे, इना कि सब दे दे तो जली उल जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा सी प्लेट है, इस सी प्लेट को हम लोग इमीटर प्लेट कहते हैं, इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोलते हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिससे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसमें जो देखो, जो हम बैटरी को जोड़े हैं, हाँ, जो बी बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से तो नफरत है, निगेटिव से नफरत, इलेक्ट्रॉन यहाँ इजेक्ट भी होगा ना, तो ये थोड़े भगाएगा, भाग तो यहाँ से, और ये पॉजिटिव वाला बुलाएगा। तो यहाँ से ये है क्या, ये कलेक्टर है, इमीटर है, ये यहाँ से इमिट करेगा और ये इसको कलेक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा, और यहाँ कुछ एक लगा दिए ए मीटर, माइक्रो ए मीटर की छोटका से छोटका करंट को भी पकड़ ले, ठीक है ना। सबसे जितना एक को इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो कहेगा वो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सर्किट पूरा हो जाएगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझे, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ से हमारा सनलाइट आया कहाँ से, विंडो से, इसको फिल्टर कर दिया। इस प्लेट का नाम क्या, फोटो सेंसिटिव प्लेट, या इसको इमीटर भी बोलते हैं, इसको इमीटर बोलते हैं, और इसको कलेक्टर बोलते हैं, मतलब जो कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट पर जैसे ही लाइट आया यहाँ से क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये बुला रहा है कि आ जाओ, क्योंकि सेल आपने क्या लगाया, पॉजिटिव। ध्यान से, अगर करंट को बढ़ाना है तब तो ठीक है, लेकिन करंट को घटाना है, तो करंट को घटाना है तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था उसको रोकना होगा, तो उसको रोकने के लिए सेल को उलट दो, बैटरी को उलट दो। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, अगर तू इधर भागो, तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए बैटरी को उलट देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, कि फिगर तो बन गया होगा, ठीक है ना। तो मेन बात देखो, लफड़ा क्या, फिगर मिट जाएगा हमारा, हमारा मिट जाएगा, तुम्हारा रह जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम समझाएंगे तो तुम्हारा फिगर से फिर समझाना होगा हमको, यहाँ तक ठीक है। तो अब ये हमारा ये जो विंडो देख रहे हो, ये क्या, एक ट्रांसपेरेंट विंडो है जो कि सील रहता है, ग्लास ट्यूब है ये, ठीक है ना, इसको फिल्टर करता है। अब देखो, जो हमारे पास इसमें जो लाइट अलाउ करेगा जाने के लिए, ये क्या हो, कुछ ना कुछ इसका पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, यानी कि सबके जाने देगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, उससे उसी को पास करने देगा, सबको पास नहीं करने देगा, ठीक है। साथ ही ए को हम लोग क्या करें, चाहे तो पॉजिटिव निगेटिव, जैसे ए हमारा यहाँ पर है ना, किधर गए, ए, इसको प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, तो प्लस माइनस हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को तेज करना है तब तो पॉजिटिव ठीक है, अगर हमको कम करना है तो आपको क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि और बाकी क्या, जैसे इधर से इधर जाएगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किधर से किधर जाएगा, एक्सेलरेट होगा, तो सी प्लेट से ए प्लेट की तरफ जाएगा। सी को हम लोग पहले ही बोले इमीटर है, वो ए क्या है, कलेक्टर है,
बस हो गया, और यही सिंपल इसका लिख देना होगा, लिखा हुआ भी है, टेंशन ना लेने का, लिख लिया ना। ये सब क्या है, ये हमारा कुंजी है, इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसे बंद कर देंगे तब ना करंट पास होगा, खुला रहेगा तो करंट तो पास होगा नहीं। ये हमारा बैटरी है, ये हमारी स्टेट है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, कम बेसी इसको हम कर सकते हैं अपने इस सुविधा अनुसार। लिख लिया सब लोग, चलो मिट जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लिया है ना। और किसी को इसमें कोई डाउट फिगर में है तो बोलो। म्यू ए ये एम्पियर है, अथी है क्या कहते हैं, एमीटर है, माइक्रो एमीटर, माइक्रो माने कम से कम करंट को भी मेजर करेगा। इसमें एक को इलेक्ट्रॉन पास होगा ना तो बोलेगा जा रहा है, और एमीटर जो है एक आध दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जिंदा है रे, अरे आजा आजा आजा, सुबह से लेके अभी नजर आया, बताओ ओ बच गया ना। चलो तोरा पर भविष्य तू ही गायब रहता है, बताओ डुबा देगा भारत को का तू रे, है कहाँ सुतल था रे, खाना बना रहा था, भोजन किया, खा लिया, और छोटा इंसान कहाँ गया, छोटा इंसान आ गया, हो गया ना। तो तू खाना उसको नहीं खिलाया है, तो वो खा के भाग आया, और तू बर्तन धो रहा था। चलो कोई बात नहीं, आ गया ना, टेंशन में ना है, हाँ टेंशन में तो बोलो, फिगर समझ लो, फिगर लिख बनाना था, ठीक है ना, ये सब तो जानता ही होगा, हाँ चलो बुझता है ना, हाँ चलो अब देखो, जो बातें अभी हमने बोला वो बातें यहाँ लिखा हुआ है। क्या है, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज शो इन फिगर, जो सेटअप था, सी इज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट, अपना कॉपी में देखेंगे, और प्लेट विच इज कॉल्ड इमीटर, एंड ए इज मेटल प्लेट विच इज कॉल्ड कलेक्टर, अभी मैंने बोला, ए ट्रांसपेरेंट विंडो डब्ल्यू, एक विंडो है ट्रांसपेरेंट, इज सील ऑन ग्लास ट्यूब, सील रहता है, पैक है ग्लास से, कांच से, ठीक है ना, कैन बी कन्वर्टेड विथ ए फिल्टर फॉर लाइट ऑफ पार्टिकुलर रेडिएशन, ठीक है ना, उसको फिल्टर करके देगा, दिस इज अलाउ द लाइट ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ टू पास थ्रू इट, इसको कोई ना कोई निश्चित पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला कोई पास करने देगा, सबको जाने नहीं देगा, द प्लेट ए कैन बी गिवेन डिजायर्ड पॉजिटिव और निगेटिव, अपने इच्छा अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव आप कर सकते हैं, तो क्या पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी यूजिंग द अरेंजमेंट ऑफ बैटरी, बैटरी को बोले ना या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या, एंड ए माइक्रो एमीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द फोटो करेंट इन द सर्किट, ये माइक्रो एमीटर म्यू ए जो साइड में लगा हुआ था उसका काम क्या है, फोटो करेंट को मेजर करेगा वहां। फिर क्या, वेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स एस, एस माने वही सन जो है, आफ्टर बीइंग फिल्टर बाय फिल्टर फॉल ऑन फोटो सेंसिटिव प्लेट सी एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम सी व्हिच कैन गेट एक्सेलेरेट टुवर्ड्स द प्लेट ए, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द आउटर सर्किट एंड हेंस माइक्रोमीटर फॉर डिफ्लेक्शन, बात वही चीज है। क्या है मोनोक्रोमेट माने कोई खास रंग का, ठीक है ना, क्या है रेडिएशन है जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी का नहीं, सुटेबल कोई फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स, कहां से, सन से, आफ्टर बीइंग फिल्टर माने फिल्टर के बाद, फिर क्या फिल्टर्ड बाय फिल्टर फॉल ऑन फोटो सेंसिटिव प्लेट पर आता है एंड फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से, सी से, सी प्लेट से, विच कैन एक्सेलरेट टुवर्ड्स, किधर जाता है, ए प्लेट की ओर, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द आउटर सर्किट, और जो बाहर में सर्किट हम लोग लगाए हैं उसमें से क्या आउटर सर्किट, एंड हेंस माइक्रो एमीटर शो करता है कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, तो वही कहानी के रूप में हो गया, ठीक है, जो फिगर है वही है और कुछ नहीं है, और समझ गया फिगर तो अपने से भी कुछ लिख सकता है। फिर क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन अदि फोटो करंट, देखो यहाँ पर इफेक्ट किसका है, तो इफेक्ट है हमारा इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी, तो देखो अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी समझ दो, इंटेंसिटी का होता है, जैसे मान लो कि एक बल्ब है, तो अब एक बल्ब ये वाला है, एक बल्ब रहता है 9 वाट का, पता है, तो इस तरह से बल्ब अलग अलग है, तो इस सब में क्या इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी है ना, कहने का मतलब ज्यादा है,
इंटेंसिटी ज्यादा है तो आपका फोटो करेंट भी ज्यादा, जब जरूरत से ज्यादा उस पर इंटेंसिटी वाला जब लाइट दोगे तो फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से इसका भी ग्राफ बना लेना, ठीक है, यहाँ पर भी अपना पॉइंट बना करके ग्राफ बनाना, खाली ग्राफ ही बनाना हम छोड़े, बाकी सब लिखा हुआ है, नोट्स मिल जाएगा। क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो करेंट एज बी इंक्रीज द क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटो इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड मोर, हेंस मोर विल बी द करेंट। ये मान लो कि अगर हमारा लाइन है किसका, इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का, ये जो हमारा लाइन है मान लो फोटो करेंट, फोटो करेंट समझ रहे हो, फोटो करेंट माने क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन के दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्रोड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा जो करंट होगा उसको फोटो करंट बोलेंगे, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये फिगर होगा, यहाँ पर एक नंबर करके फिगर बना लेना, काहे कि आपको मिट जाएगा फिर फिगर। तो ये कर एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को जब इंक्रीज करोगे तो लाइट देन फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड मोर, ज्यादा मात्रा में निकलेगा वहां इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, हेंस विल बी करेंट क्या होगा, मोर होगा, करेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। लिख देना इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिगर खाली बना लो ना, नंबर देके फिगर जहां जहां जगह हो वहां डाल देना, ठीक है, ताकि नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में अपने से फिर फिगर बना लेना, ठीक है, अभी दे देता तो उसी में बना लेता लेकिन जगह नहीं। हो गया, चलो कुछ नहीं, एक सीधा लाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट, हटा देना। अब देखो, अब क्या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, तो ए प्लेट कहां था, ए प्लेट उस साइड था, मैंने कहने का मतलब क्या समझ रहे हो ना, ए प्लेट क्या है सी प्लेट क्या है, तो ए को कलेक्टर बोले थे, सी को इमीटर बोले थे हम लोग, है ना, सी फोटो सेंसिटिव प्लेट, है ना। तो अब हमारा क्या है, जो देखो ध्यान से, एज शो इन द ग्राफ, मैंने पहले शो कराएंगे, ठीक है ना, अभी शो तो है ही नहीं, ये वाला लाइन को हम मान लो फोटो या को जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल मानते हैं, और ये वाला लाइन को क्या बोल दो, फोटो करंट बोल दो, देखो ध्यान से। तो जैसे अभी हम कुछ देर पहले थोड़ा फिर से समझाने का प्रयास, ग्राफ तो हम दोबारा नहीं बना पाएंगे बट समझा सकते हैं, मान लो नहीं सी था कुछ, यहां से लाइट उठा रहा था इस पर, है ना, तो ये नहीं था यहाँ पर इस तरह से। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जो देखो इसको करंट को बढ़ाना था तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पर माइक्रोमीटर हम लोग लगाए थे, तो ये करंट आ रहा था तो करंट बढ़ रहा था, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगा, एक सीमा ही बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वही होगा। लेकिन अगर इसको घटाएंगे, पोटेंशियल को कम करेंगे, तो कम करने का मतलब ये बैटरी को उल्टा जोड़ देंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो क्या हो, करंट घटेगा, एक समय ऐसा आएगा कि करंट पास नहीं होगा, लेकिन कब, जब पोटेंशियल निगेटिव करेंगे तब, कुछ पोटेंशियल देने से थोड़ी करंट, कुछ पोटेंशियल देने से तो करंट नहीं पास कर रहा। तो अब ऐसा होता है कि देखो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे कुछ बनता है, ऐसे कहो ना, नहीं सीधा ही लाइन समझना, मैंने कहने का मतलब क्या है, धीरे 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 ये बढ़ रहा है, फिर एक सीमा तक बढ़ा है,
ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है हमारा, देखो पोटेंशियल हमारा जीरो है, मान लो पोटेंशियल हमारा जीरो है, तो जीरो पोटेंशियल पर कुछ करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे होंगे, तो उसके कारण भी कुछ करंट होगा, तो वो कुछ करंट है फोटो करंट, और बढ़ाएंगे पोटेंशियल, और बढ़ाएंगे तो और करंट बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अब करंट इसका नहीं बहेगा, मतलब बहेगा एक सीमा भर ही बहेगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बैटरी का एक सीमा होती है ना। अब थोड़े सोचोगे कि मान लो 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, अब पता चला कि हुआ डेकोरेशन चल जाएगा पूरा ओकरे से, तब तो फिर डीजे वजे सब बच जाएगा एगो बैटरी से, है ना, फिर इतना बड़का जनरेटर की क्या जरूरत पड़ता, ठीक है ना। तो बस वो एक सीमा भर ही चलेगी, लेकिन उसको कम करना है, तो कम करना है तो इसको निगेटिव कर दो, निगेटिव पोटेंशियल माने उल्टा। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल जैसे हम लोग जो सेल बोलते हैं कि सर 12 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इसका पॉइंट का पोटेंशियल ये मान लो कि अगर 120 है, सपोज दैट 120 है और ई हमारा 108 है, तो ये दोनों का डिफरेंस 12 है, यानी ई पॉइंट का पोटेंशियल इतना, ई पॉइंट का पोटेंशियल इतना, तो डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का बैटरी का मतलब ये नहीं होता कि 12 है, हाँ बोल देते हैं भले कि इधर सर 12 है इधर 0 है, तो दोनों घटा दिए तो 12 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी, दो को जो एनोड और कैथोड है उसके बीच का डिफरेंस है 12, ठीक है। चलिए तो सब बचपन में ही समझते हैं, तो अब ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए तो यहां पर निगेटिव मतलब क्या हुआ, उल्टा, निगेटिव मैंने उल्टा, अब 108 इधर कर दे 120 इधर कर दे तो उल्टा होगा क्या, नहीं निगेटिव हो जाएगा क्या, नहीं माइनस 12 आ जाएगा, तो यानी इसको जब निगेटिव करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जहां स्टॉप हो जाएगा, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, वी नॉट जिसको निगेटिव में हम लोग मानेंगे, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, फिगर बना लीजिए, हाँ यहाँ जाकर के सेचुरेशन करंट हो जाता है, माने अब इसके बाद करंट माने नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, सीधा माने यहाँ गया ना, इसके बाद लाइन सीधा हो गया, लाइन सीधा, हाँ फिगर है तो मेन, फिगर मेन हम नहीं नोट्स में दिए, आगे देखो फिगर दे देते ना, तो आप खुद से फिगर बनाए होकर एक अनुभव अलग होता है, हाँ थ्योरी सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली हेडलाइन लिखने की जरूरत है, लिखना चाहे तो वो भी सब लिखल लाखल मिलेगा, ये सब लिखल रहेगा, खाली यही बनाना है आपको, टाइम पास नहीं करना है, खाली फिगर बनाओ ना, खाली फिगर बनाओ ना, बाकी सब मिल जाएगा नोट्स में मिल जाएगा, खाली ध्यान रखना कि कौन फिगर केजा बना, ठीक है ना, ना तो पता चलेगा हुआ उल्टा पुल्टा ना कर देना, ऐसे दिख जाएगा हेडलाइन से भी दिखेगा, नहीं तो पॉइंट लिख लेना कि 2 नंबर पॉइंट में है, ठीक है ना। कहा हुआ रे? देख लिया, ये क्या है ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लिख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हटा ऐसे क्या देखता है, हटा देना, देखो अब यही लैंग्वेज में लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, एज शो इन द ग्राफ, जो भी ग्राफ था, इफ वी मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव, कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव यानी बैटरी वाला हाल है, विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, उसको क्या करेगा, जितना पॉजिटिव दोगे कलेक्टर को उतना खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को,
अभी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उधर कलेक्टर था ना, वो क्या चाहेगा, जितना बड़का पोजेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तगड़े ढंग से, तो उसमें करंट ज्यादा होगा, तो ही कह रहा है इज एक्स्ट्रा है, इज की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस होगा, आई एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, ई कॉमा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन्स इज एक्स्ट्रा, ठीक है ना, मैंने आप समझ नहीं गए वहां पर पढ़ने वक्त क्या, देयर फॉर द फोटो करंट विल बी इंक्रीज, बात दोनों एक के लाइन में मिक्स कर दिया उड़ा के पीछे, क्या कर रहा है, सो इन फिगर ग्राफ इफ मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो अट्रैक्ट क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेगा, तो वहां ज्यादा करंट प्रवाह होगा, और यहाँ जो करंट प्रवाह रहा उसको कौचिक बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही बोला फोटो करंट विल बी इंक्रीज, फिर क्या, बट इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु तक ही, है ना, पॉइंट कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट, जो हमारा ये जो कांस्टेंट हुआ था ना वहां पर जो पॉइंट है वो सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, फिर क्या है, आफ्टर दैट फोटो करंट विल बिकम स्टेबल एंड सेचुरेट, उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट जहां मिलेगा वहां पर क्या होगा, आफ्टर फोटो करंट विल बिकम स्टेबल, अस्थिर हो जाएगा और सेचुरेट हो जाएगा, इसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, फिर क्या है, इफ बी रिवर्स द बैटरी, बैटरी को उलट दो, है ना, दैट इज नो द प्लेट ए इज एट निगेटिव, अब ए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और पोटेंशियल है ना, ए यानी ए इज निगेटिव पोटेंशियल, देयरफॉर एट सर्टेन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बी अच्छा अगला पेज आएगा ना, कहा लैंग्वेज भूल आ गया, हाँ, देयरफॉर एट सर्टेन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बी क्या कम्स जीरो, माने जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल कम्स भी जीरो, नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर वो जीरो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, उसके बाद भी यहाँ पर फिगर बनेगा फिर, ठीक है, तो देखो कुछ फिगर और भी है, देखो फिगर क्या है, अभी जिसे फोटो करेंट था, तो अभी कुछ देर पहले इंटेंसिटी की मैंने बात बोला, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा क्या होता है, करंट बढ़ता है, अभी फोटो करंट बढ़ता है, अभी मैंने सबसे पहला फिगर वही बताया था, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर भी जो फिगर होगा ए नंबर करके फिगर बनेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो देखो तो ई वाला जो लाइन हमारा है ये पोटेंशियल का लाइन है, ये हमारा पोटेंशियल का लाइन है, आई ई वाला जो लाइन होगा फोटो करंट का लाइन होगा, फोटो करंट, देखो इंटेंसिटी अलग अलग देंगे, इंटेंसिटी अलग अलग देंगे, तो इंटेंसिटी अलग अलग देंगे तो इंटेंसिटी को बढ़ने से करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी को बढ़ने से करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी मैंने पहला फिगर दिखाया था आपको, तो यहां पर जब इंटेंसिटी बढ़ाने की बात आई, तो मान लो कि इसका देखो ये जो फोटो करंट है तीनों को अलग अलग है, तीनों करंट अलग अलग है कि नहीं, आई वन है मान लो, आई टू है ये, आई थ्री, तो इंटेंसिटी अगर मैंने अलग अलग दिया तो करंट भी अलग अलग, सेचुरेशन पॉइंट भी अलग अलग हुआ, ऐसा नहीं कि इंटेंसिटी सबका एक ही रहे, इंटेंसिटी जैसे जैसे उसका बदलेंगे ना तो करंट भी थोड़ा थोड़ा बदला है, सबका सिचुएशन पॉइंट बदला है, तो इंटेंसिटी के क्या है प्रोपोर्शनल हो, तो पहले फिगर में मैंने बताया, तो कभी कभी बोल देता है कि कौन ज्यादा होगा, तो ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका कम हो, इसका ज्यादा समझ रहे हो, ठीक है, हमारा आई थ्री बड़ा है आई टू से, ये किससे, और लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, आप इंटेंसिटी जो दे रहे हो किसका, लाइट का दे रहे हो ना, इंटेंसिटी किसका, लाइट का ना, आपने कम बेसी किया तो लाइट मैंने जो सनलाइट दिया उसका ना, जैसे देखते हो ना हम लोग गांव घर की भाषा में कहते कुछ सुखाना है, जैसे कपड़ा सुखाना है, गेहूं सूखता है हम लोग के यहाँ, है ना, होते है कि नहीं छत पर, तो कहते हो ना आज धूप मलिन है ना, आज धूप बहुत कम है, बहुत धूप तेज है, या धान सूखता है गांव में देखे होंगे, धान सूखता है तो उसका बड़ा खतरनाक सिस्टम है, ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए और कम धूप भी नहीं चाहिए, देखे होंगे रात में एक बार धान को
सुखाया जाता है, फिर दिन में सुखाया जाता है जब ज्यादा धूप रहती है। तो देखे होंगे जब जैसे चैत वैशाख होली के बाद का दिन में रात में धान को सुखाया जाता है, धान एक बार रात में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर दिन में लगा देगा तो चावल टूट जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सूख जाते हैं, मैंने ओकरा भी बहुत एक तरह से कहो कि समस्या है ना, सबसे बस की बात नहीं। तब धाने बिक जा रहा है, देख रहे होंगे अब धाने बेच देता, अब दिमाग खत्म, अब राइस मिल वाला अपना जो करना करे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर समझ में एक चीज आया, फिर से समझेंगे कि जो लाइट दे रहे हैं सनलाइट, उसका मैंने इंटेंसिटी कम बेसी किया है, प्लेट का मैंने नहीं कुछ किया था। तो सिचुएशन करंट यानी करंट बढ़ाएंगे हम लोग इंटेंसिटी के हिसाब से, तो एक इंटेंसिटी अलग दिए था, करंट अलग हुआ, एक लिमिट तक उसका गया। लेकिन जब हम रिवर्स किए, रिवर्स तो बैटरी ने किए, रिवर्स तो मैंने क्या किया, बैटरी तो बैटरी के क्षमता से ना काम होगा, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि तो बैटरी का अपना गुण है और इंटेंसिटी से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ताकि प्लस में ये जो बैटरी है ना खींच रहा था, खींच तो बैटरी रहा था, अब तो ढकेलेगा तो बैटरी खींचेगा अपने औकात के अनुसार, तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ क्या है सबका सेम है, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है। कब? जब इंटेंसिटी अलग अलग, ठीक है, बना ले थोड़ा सा। देखो सब जानता है, माइंड में चलता है, नहीं तो फिर जानते ना क्या है सैचुरेशन का इंटेंसिटी, सब उल्टा पुल्टा होने लगेगा। ऐसे टेंशन ना लो बोर्ड में, इतना अंदर से क्वेश्चन एक आध को कभी कभी आते हैं, बोर्ड वाला के टेंशन नहीं लेना। हो गया, देखो देख लिया ना, हो गया। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन, हटा देना, दिस इज द ग्राफ बिटवीन करेंट एंड पोटेंशियल, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर सेम। फ्रीक्वेंसी उसका क्या था, जब सेम था बट इंटेंसिटी क्या था, डिफरेंट था। फ्रीक्वेंसी सेम था, इंटेंसिटी डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होगा तो इनर्जी अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो इनर्जी अलग अलग, इंटेंसिटी तो करंट अलग। सो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्जी, लेकिन वहां पर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे ये हमारा लाइट आ रहा है, लाइट आता फोटोन के रूप में, तो फोटोन का एनर्जी होता है, फोटोन को जब एनर्जी होगा तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E बराबर एच म्यू। देखो अब हमारा ग्राफ क्या है, करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ। तो करंट, दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, एक पहले भी तो करंट एंड पोटेंशियल था ना, चलो कोई दिक्कत, हाँ तो वही करंट फोटो करंट, करंट इसमें तो टोटल करंट फोटो करंट, तो वही ग्राफ है, बस थोड़ा सा अलग है ग्राफ, वही रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा। ये क्या था, इंटेंसिटी था, नहीं नहीं पोटेंशियल था ना, दम सेम ही रहेगा, पोटेंशियल था, आई फोटो करेंट था ना, फोटो करेंट। तो देखो अबरी क्या किया है जानते हो,
अबरी फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दिया तो एनर्जी अलग अलग हुआ, फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दिया तो एनर्जी अलग अलग हुआ। फ्रीक्वेंसी अलग अलग किया, एनर्जी अलग अलग हुआ, लेकिन फोटो करेंट सेम होगा। फोटो करेंट एक समय आएगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट सेम होगा, लेकिन एनर्जी अलग अलग है। तो एनर्जी तो पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है ना, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। जब एनर्जी अलग अलग, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, मानो माइनस में जैसे लिखना चाहो इसको, क्या माइनस में बोलते थे ना, वी नॉट वन है ना, माइनस वी नॉट टू, माइनस वी नॉट थ्री, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट सबका क्या है, म्यू कह सकते हैं आप, म्यू थ्री, म्यू टू, म्यू वन, म्यू वन, म्यू, म्यू माने फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जो हम लोग म्यू दे रहे हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ पर क्या करा है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग। बना लो फिगर, अच्छा यहां पर इंटेंसिटी क्या है, सेम इंटेंसिटी, सेम तो करंट सेम, इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब उला जना जना करंट थी, फ्रीक्वेंसी का है, इंटेंसिटी का है ना, तो सब पगला जाएगा, ठीक है ना, तो बस टेंशन ना लेना, जो बोर्ड वाला रहता है उसमें नहीं अंदर घुसता, उसमें ऑब्जेक्टिव एक आगे फंस जाएगा भले जब घुमाएगा तो, अगर लॉन्ग शॉर्ट में ग्राफ नहीं पूछता है वो, पूछ सकता है लेकिन सीबीएसई वाला में खासकर पूछता है, बिहार बाहर पहले से है, तो कह रहा तू कल लगता है घूम रहा था, अरे क्लास नहीं कर रहा था, कार इंग्लिश मीडियम घूम भी रहा था लेकिन, ओ तो मैथ में घूमता है ना, ओ, ओ। लिख लिया, तू भी पढ़ रहा, कुछ कुछ खा लेता है गधा, दादाजी खाते थे कारे, हो गया, देखो तो वही चीज लिखल है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन करेंट एंड पोटेंशियल, करेंट माने फोटो करेंट, पोटेंशियल पोटेंशियल, व्हेन इंटेंसिटी क्या है सेम, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर डिफरेंट, इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो पोटेंशियल भी अलग अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग, लेकिन करेंट सेम है, सिचुएशन करेंट, क्योंकि इंटेंसिटी सेम था। अब देखो अब ग्राफ किसके किसके बीच है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, ये तो चाहो तो शुरू वाला बना लोगे, देखो घुमा घुमा के फिगर देता है बउआ, ठीक है ना, ये क्या है मान लो, क्या लिखे पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी फ्रीक्वेंसी इसको दिए, पोटेंशियल नहीं दिए, अभी इसको पोटेंशियल दे रहे हैं, बात नहीं बात नहीं, पोटेंशियल। तो अब हमको बताओ कि पोटेंशियल जीरो पर क्या करंट जीरो होता था, नहीं, एक पहले ना पढ़े थे सबसे, मैंने एक तरह से कहें तो ऐसे कहो ना कि कुछ कट ऑफ पोटेंशियल होते हैं, निगेटिव पोटेंशियल होते हैं, तो हमारा यहाँ से मान लो शुरू होता था, तो हमारे यहाँ से मान लो कुछ शुरू होगा, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कुछ देर के बाद, क्यों कुछ देर के बाद, कट ऑफ पोटेंशियल पार करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वी नॉट, ठीक है ना, पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो कुछ सीमा के बाद ना, कुछ सीमा के बाद ना पोटेंशियल बढ़ेगा, तब ना वहां पर क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू, थोड़ा सा पोटेंशियल से नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक क्या कहते पार्टिकुलर वेवलेंथ, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मान लो हमने क्या किया,
कि अब थोड़ा सा बहुत से नहीं काम चलेगा। जैसे क्या है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल तो कहोगे जीरो है, पोटेंशियल तो कहोगे जीरो, तो पोटेंशियल जीरो है तो हमारा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी। अब हो सकता है तुम इसको ग्राफ को बैक करो, ग्राफ को बैक करोगे तो यहां पर निगेटिव आ जाएगा, इसको आगे करोगे तो ना आ जाएगा माइनस बी नॉट। अब यहां से समझ में आएगा थोड़ा, यहां से वही चीज को दोबारा में समझ में आएगा कि वो निगेटिव होता है, बढ़ घटता है थोड़ा सा, बना लो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बिटवीन, यहाँ हेडलाइन में चेंज रखना, फिर से समझा है, समझाते हैं। ये कौची का लाइन है पोटेंशियल का, और किसका है फ्रीक्वेंसी। सब कोई जान मार देगा, ये सब स्वेटर पहन के आता है, ठंडा लगवाता है। नहीं बंद हो लो, अब रात में भी फैन मत चलाओ, ठीक है ना। कितना क्या है, रजाई ओढ़ लेता है, अब बस वहां चला लेता है। हाँ मकान मालिक का पैसा वसूल रहा है बिजली बिल उठा, तो बाबूजी से सुधर भी ना किया तो थोड़ा से का सुधरेगा बताओ। हाँ तो चलना, तू सच्चे है तो थोड़ा प्रूफ करने की जरूरत है, सच आदमी प्रूफ करता है, वो अपना शांत रहता है। कभी भी तुम सत्य है तो तुमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने प्रूफ हो जाएगा। कितनों की परिस्थिति खराब हो जाए, ये खोपड़ी जानता है नहीं, बड़ी खतरनाक है ये, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी विनाश होगा, इसलिए जितना शांत करो। एक से एक परिस्थिति टल जाता, बस थोड़ा सा इसको शांत करके, एक से एक परिस्थिति गर्म हो जाता है, बस एक खाली उड़वा पुड़ा के जो होना था कुछ हो जाता है कुछ, ठीक है ना। अब तू यही जवाने वाला आदमी है तो क्या करेगा। देखो फिर से, जिसको समझ में नहीं आया, देखो यहाँ क्या कह रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बैटरी, बैटरी बैटरी समझता है। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी तो पोटेंशियल को लगभग लिंक करता है। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ाया, लेकिन फ्रीक्वेंसी तनी मनी बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक उसको लिमिट से बढ़ाना होगा, क्योंकि निगेटिवों में कुछ काम करता है ना वो, जैसे बैटरी को चेंज, जैसे वही चीज है ना, ये निगेटिव टर्म है। तब क्या, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पोटेंशियल को देख रहे हो ना, ये क्या ऊपर जा रहा है। फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ क्या जरूरत से ज्यादा बढ़ा, हमको पहले पोटेंशियल नहीं बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी की मैटर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T वो भी ठीक है, ठीक है ना। यानी क्या है, एक सेकंड में ओसिलेशन, मतलब एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन इन्हें उन्हें करेगा, यही ना है, एक सेकंड में जितना करेगा, तो जितना ज्यादा करेगा, जितना ज्यादा करेगा वही फ्रीक्वेंसी। जैसे इंडियन करंट का 50 हर्ट्ज है ना, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद बढ़ेगा, तुरते बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़े लगेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अकाता कुछ हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लो अब तुम तवेला में चढ़ाया है भोजन, और तू एगो छोटका मोमबत्ती जला देगा तो कहेगा गर्म होली पनिया, बार बार देखेगा जाके, तो होने वाला है कुछ। तो वहां पर क्या आपने दिया, फ्रीक्वेंसी देना चाह रहे हो तो दे रहे हो तनी मनी एनर्जी उसको, तो क्या होगा, कुछ होने वाला है। तो इसीलिए एक कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी कुछ सीमा में देना होगा, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देना होगा, उसके बाद ही पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी मैंने बुझाया होगा, ज्यादा बुझाया चाहिए, चलिए हो गया, नहीं बुझा ग्राफ याद रख लें, ऐसा होता है, कैसे होता है भगवान जाने। अब क्या, करंट और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ की बात है। अब देखो ग्राफ थोड़ा सा दिखा दूंगा ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा दिन रहता है, और कन्फ्यूजन भी होगा तो ज्यादा दिन कन्फ्यूजन होगा, ये भी बात है। तो मान लो कि हम किसका ग्राफ बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की और करंट की, यही क्या है करंट। तो करंट मैंने कौन करंट, फोटो। हाँ तो अब देखो समस्या क्या है, अभी तो मैंने बताया था जो एक पहले ग्राफ वो भी था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, अभी क्या था। तो अब हमारा मान लो कि यहां पर कुछ पोटेंशियल अभी भी नोट हमने दे करके दिया था उसको,
कुछ देर पहले। तो देखो इस तनी होशियार चंद है, होशियार चंद क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी है करंट। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ या एनर्जी साथ। लेकिन करंट से एरा करंट चाहिए तो इंटेंसिटी चाहिए था, इंटेंसिटी का लेना देना ही नहीं है, कहता हमारा कोई मतलब ना, तू जितना दे मैं उतने हम रहो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता है, सिचुएशन करंट सेम हो गया था वहां, फ्रीक्वेंसी चेंज किए थे अभी कुछ देर पहले ग्राफ देखा होगा इस तरह से है ना, यहाँ पर क्या होता है करंट सेम हो गया था, फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग दिए थे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वही ना देखो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, ये जो है तो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंजिंग हुआ था, बैक देखा था ना सबका पोटेंशियल भी अलग अलग हुआ था। देखो तनी सा आइडिया है, फिगर एक के को मेन है, जो ऊपर में मेन फिगर है सब उसी का लिंकअप है, तोड़ तोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ओकरा साथ का होगा ओकरा साथ का होगा, देख का होगा भाई, 10 मिनट समझ लेंगे कि हमारा लिए नहीं पढ़ाई हो रहा था, बात खत्म। जहां देखो कभी भी हारो नहीं, लगे ना कि टफ टॉपिक है तो उसको थोड़ा देर के माइंड से निकाल दो, थोड़ा देरी के लिए, और फिर कोई नया टॉपिक आए तो वहां से शुरू हो जाए, अगर जब वैसा लगे तब, ना तो झेलते रहो, नहीं आया तो ठीक है, ना आया तो और ठीक है, नया टॉपिक से फ्रेश हो जाना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कम से कम डिजाइनमो से कुछ समझ सकते हो आप। क्या करोगे, समस्या है, इसको भी नॉट नहीं, इसको म्यू नॉट बोलना, क्या कि फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को म्यू नॉट होता है, फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग कहेंगे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, म्यू 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 ऐसे ऐसे थोड़ा सा लगा देना, ऐसे होता है किताब में ऐसे लिखेगा कैसे कैसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा भी से रहेगा, थोड़ा अलग डाएंगे, हो गया क्लियर हुआ रे। चलो अब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी, टेंशन ना लो तुरंत खत्म कर रहे हैं इसको, क्या है इंटेंसिटी, ना ना घरे पूछता है वो, ठीक है, एक से एक कॉमेडी है ना रे। चलो अब केकर शादी में पूछता है, समस्या ही है ना, देखो बात है ना, देखो ये इंटेंसिटी पोटेंशियल है, तो भैया कुछ देरी तक तो पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही नहीं रहा था, अब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाते तो इंटेंसिटी कहां से बढ़ेगा, इंटेंसिटी का तो रिलेशन करेंट से है, यहाँ पोटेंशियल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस रहने दो इसको, शांत है तो शांत, इंटेंसिटी बढ़ाने से पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं रहती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट को मतलब रहती है, हो गया। अभी हम आपको बता रहे थे पोटेंशियल का रिलेशन एनर्जी से होता है, अभी नहीं बता रहे थे पोटेंशियल का रिलेशन एनर्जी से होता है, हटा दे, कुछ नहीं, कुछ सीधा लाइन है आपका। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, अरे सब आज है क्लियर, कल के टेंशन नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसी आओ काइनेटिक एनर्जी, हाँ तू क्यों परेशान है रे, सब एक के को टॉपिक, अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना सब घुसा है, टॉपिक चेंज कहाँ हुआ, चेंज कर, देखो हम दो को छोड़ दे, कहीं क्वेश्चन में दे दिया तो कहोगे ये तो सर पढ़ाई भी नहीं किए थे, ये देखो देहाती नहीं समय तो नहीं पढ़ाते हैं,
अगर देखो ओकरो पढ़ाए ओकरा में पढ़ाई भी नहीं किए छोड़ दिए वो बुझबे नहीं करता सिचुएशन करेंटी का होता है और बिहारो बोर्ड होते नहीं है भोजू जैसे बच्चा है आ? हाँ संतृप्त एक होता है ना ओकर लिमिटेशन फिक्स देखो तो अब क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या हुआ पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी दोगे तब ना वो भी वेलोसिटी आएगा उसमें वेलोसिटी आएगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा इलेक्ट्रॉन तो निकला निकलने के बाद जाएगा अभी तो जाने के लिए एनर्जी चाहिए कैसा था वेलोसिटी चाहिए तब ना काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम वी स्क्वायर तो अब क्या होगा बोलो ग्राफ फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन कुछ तनी मनी देने से नहीं है थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए एक लिमिट से चाहिए यही हो गया हमारा म्यू नॉट। हाँ पोटेंशियल बताए ना पोटेंशियल वाला ग्राफ देखो सेम होगा इसे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी देखो तो सेम होगा यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल था वहां फ्रीक्वेंसी था अच्छा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी की मैं बात बोल रहा हूं लिख लिया ना देखो अब क्या काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी तो देखो ये हमारा है हाँ बांट दो ये हमारा क्या है इंटेंसिटी यही हमारा है काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा बताओ तो इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी है इसीलिए हाँ इसको क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा इंटेंसिटी कितनों बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगा ना और ना बहुत तू रो रहा जखनी से तब कहला हम हो गया चल बढ़िया हुआ कि कॉपी में लिखाया ना तो तू ओकरा में लिख करके और कचड़ा कर लेता ठीक है अभी है और भी फिगर अब ना है अब काम वाला बात है अभी तक खाली ड्रामा चल रहा था बिहार बोर्ड को कहना है यहाँ से नहीं आएंगे ठीक है ना बस पॉइंट आएंगे जो आएंगे सो हम पॉइंट लिखे हैं हो गया ना चलो अब देखो जो आएंगे सो देखो देखो आ दे दो ना तो रोबेगा जल्दी जल्दी दो सबको तो ये में थोड़ा शक लग रहा है तो सूतल था तो क्या होगा है तू जा रहा था चावल दाल खा रहा था तब तक हाँ तो पढ़ ही लिया था क्या दिक्कत है जल्दी जल्दी दो दूगो लेगा तो फिर से एडमिशन लेना होगा अरे उलेले है दुगन अरे चंडाल है रे मजाक मगर जान निकल रहा है तो मजाक कर रहा है ना अभी एक के चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब दे देंगे तो एक के दिन दो को खत्म कर देंगे पता चलेगा इंग्लिश मीडियम ना कहेगा सब हुआ चौपट कर देंगे आई कोची वाला तो रहो तू कोची के है हाँ तो मिलिए गए लो एक जमा रहेगा तब एक चैप्टर ना है रे अभी जो पढ़ाएंगे चलो हो गया सबको मिल गया ना देखो सबको मिला ना रे ना मिला तो बगल वाला का ले लेना देखो ये फिर भी मिला तो 10 रुपया दे देना बात खत्म हो गया तुम देखो ये जो अभी बातें फिगर में मैंने ग्राफ में बताया वो सब लिखा हुआ यहाँ है देखो क्या कर रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट
लाइट, अभी ने बताया कि इंटेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पहला फिगर मैंने बताया। फिर क्या, सेचुरेशन करेंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, है कि नहीं है। इंटेंसिटी के अनुसार क्या कर रहा है, सेचुरेशन करेंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ, हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी के डायरेक्टली इंटेंसिटी बढ़ाए थे और क्या था, सेचुरेशन करेंट अलग अलग था कि नहीं था, फिगर में नहीं था, आई वन आई टू आई थ्री तीन को बताया था ना, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। फिर क्या कर रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, बताया था ना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मैंने उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए देखना जो दूसरा ग्राफ बनाए थे इस तरह से लाइन खींच खींच के इसे देखना ना, तो वहां पर आपको क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था सबका। फिर क्या, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से भी इसको कोई मतलब नहीं है। फिर क्या, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज इन निगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, तो वही निगेटिव में जाता है, ठीक है। फिर क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीज लिनियरली विद फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वही लिनियर के रूप में ग्राफ बना है उसका, जो ग्राफ है सब उसी का लैंग्वेज है। देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ निकलना है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो म्यू नॉट से शुरू कर रहे थे ग्राफ, तो उसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये करा देखो, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच इज इमिशन टेक प्लेस, है ना, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम जो एनर्जी दे रहे हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मिनिमम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उतना से कम दोगे तो निकलवे नहीं करेगा। फिर क्या, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये जो है ना दम तुरंत है, आया और गया, ये नहीं कि आएगा थोड़ा इंतजार करेगा तो जाएगा, वो आया और गया, जैसे कलम कैसे डालते थे, इन्हें से डाले तो उन्हें निकल गया, ऐसा थोड़े होता है, इन्हें डाल रहे हैं अभी निकलेगा सुबह तक, ऐसा थोड़े होता, तो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माने क्या हो, तुरंत क्षणिक आया और गया, ठीक है ना। चलो अब ये आता है बिहार सरकार में 5 नंबर में, ठीक है ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये 5 मार्क्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया से ध्यान भी देंगे, 2 बार घरे पढ़ेंगे भी इसको, आने की संभावना भी होती है। देखिए थोड़ा सा कुछ इरर भी है, उसको भी सुधार करते चलेंगे, ये भी नहीं है, इसको म्यू कहेंगे, म्यू म्यू ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ये म्यू एच म्यू ज्यादा लिखा गया, कचड़ा हो गया, एच म्यू, ठीक है, ध्यान से देखना समझना। देखो हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए, अभी ऐसे करके हमने प्लेट बनाया था, ऐसे करके बनाया था ना, ऐसे ऐसे कुछ सेल वेल लगाया था, तो यहां पर जो आप इनर्जी दोगे, तो यहां जो इनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि फोटोन के, तो यहां आया इनर्जी, इनर्जी का मान कितना होता है, एच म्यू, जो हमारा फोटोन का इनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है, आई ई इक्वल टू हम कांस्टेंट लिखते हैं एच म्यू, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एच यहां प्लैंक कांस्टेंट है, ई एच म्यू एक फोटोन का एनर्जी है, एक फोटोन आया उसका एनर्जी इतना हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो अब मैंने एनर्जी दिया इसको एच म्यू, तो जो एनर्जी आया वो 2 भागों में बढ़ता है, एक तो बोले थे शुरू लड़ाई करने में बढ़ जाता है, यानी समय कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाता है, एगो इनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता, वही इनर्जी वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होता है, और जो निकल गया उसको भेजना भी है, तो वो जो भेजने में आएगा तो उसमें तो इनर्जी भी चाहिए, तो काइनेटिक इनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जाने के लिए मोशन होगा, मोशन माने वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक इनर्जी होगा, यानी जो इनर्जी आप लिए वो कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो आपस में क्या होगा, लड़ाई होगा, निकल तुम निकल तुम निकल, तो वो होगा वर्क फंक्शन, और जो गया वो काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वही सब कुछ कुछ कह रहा है, क्या करो, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, अब ऐसा नहीं कि फिगर ऐसा बनेगा, कैसे बना सकते हैं आपकी इच्छा है, मान लीजिए हमारा मेटल सरफेस, अब यहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अति इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटोन ई बराबर एच म्यू ऊर्जा लेकर के, अब यहां आया, यहां पर है ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यहां से निकलने का प्रयास किया, तो ही करा मेटल सरफेस, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन फॉलोइंग टू वे, जो एनर्जी ऑब्जर्व किया है वो एच म्यू, उसको 2 तरह से वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2 तरह से उसको बांटेगा, फॉलोइंग टू वे, 2 रास्ता है,
ए पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड इलेक्ट्रॉन कम आउट द मेटल सरफेस। जो बैरियर है, रुकावट है, उसको निकलने के लिए, यानी कम आउट, कहां से? कम आउट ऑफ द मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एक एनर्जी उसका खपत हो गया। द पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, वही ना है, वही होगा, द पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हाँ, वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन है, हाँ, वर्क फंक्शन, जिसको हम लिख के बोला फाई नॉट। तो जो हमने एनर्जी दिया, वो एनर्जी जो हम लोग दिए होंगे, ये फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए उसको निकलने के लिए, जाने के लिए नहीं, निकलने के लिए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे क्या, घर से कोई निकलता है, निकलने में बड़ी देरी लगता है, खासकर छठ पूजा में देखो, कहो ना घाट पर जाना है, तो खासकर महिला लोग को सुबह यही हो जाता है, और निकल गया तो देरी नहीं है, फिर तो आगे कोई बढ़ेगा तो बढ़ ही जाएगा, हाँ, ठेल के नहीं, गधे गाड़ी से। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क फंक्शन हुआ, वर्क फंक्शन क्या हुआ? एच म्यू, मिनिमम एनर्जी, किसके लिए? मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब कुछ एनर्जी लिया है, एनर्जी कितना, ध्यान से, लिया था ये जो सरफेस था, ये लिया है एनर्जी एच म्यू, एकरा में खपत किया अभी फाई नॉट, यानी एच म्यू नॉट खपत किया है, पूरा नहीं किया है, हाँ, अभी आधे सुधा किया है, और बाकी जो एनर्जी बचेगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो वो एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी हमारा ये जो एच म्यू था, वो दो भागों में बटा, एक वर्क फंक्शन के रूप में, एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो ये एच म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं एच म्यू नॉट, माने फाई नॉट को। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इधर कर दो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये एच कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही है आइंस्टीन का इक्वेशन। थोड़ा ध्यान देना, म्यू नॉट है, भी नहीं है, थोड़ा सा समझना, लिखा होगा ऐसे, है ना? देखो वही कह रहे थे यहाँ, क्या, ए पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट द मेटल सरफेस, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फाई नॉट, इट इज एक्सप्रेस्ड फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट, वी नॉट नहीं, ध्यान देना थोड़ा सा, म्यू को अपना हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसे करके कर देना म्यू नॉट। अरे तू पहले बढ़िया से देख ले, ज्यादा जल्दी में देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जैसे जैसे दिखा रहे हो उसी देखना, उसी से कभी चलना, ये क्या है म्यू नॉट, ठीक है, सब भी को नहीं कर देना, हाफ एम बी स्क्वायर भी है, ठीक है ना, तो तू अकरो लपेट लेगा भी को भी, ठीक है ना। देखो यहाँ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यू इन गिविंग ए वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में वो क्या होगा, हमारा जरूरत पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी हम लोग जानते हैं कि कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, देखो यहाँ पर सही लिखा है फिर, है ना, ये म्यू नियन लग रहा है, लेकिन इसको गलती कर दिया है, ये भी है, ये भी है, ये म्यू है ना, ये फाई नॉट हुआ, ध्यान देना, म्यू को ऐसे कर देना, भी को सिंपल ऐसे रहने देना, ठीक है ना, ये हो गया म्यू, ये हो गया भी, थोड़ा थोड़ा समझना ना, नहीं तो फिर कॉपी पर करो, ठीक है ना, इसको म्यू है, इस ठीक है, ऐसे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम समझेगा था ना, तू समझेगा भी, इसीलिए तू इसको कर देना ऐसे, लेकिन एक सिंपल रहने देना, भी ठीक है, हाँ तू समझ जाएगा, घरे जाकर ना भी को म्यू कर देगा, म्यू को भी, ठीक है ना, वहां तो देखता है सिंबल में कि म्यू है कि बी है, ठीक है ना, ये हो गया, आई क्या है म्यू नॉट है, ये क्या है म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट, समझ रहे हो ना, बस बस फ्रीक्वेंसी को ऐसे देना और नॉट लगाना होता है, ऐसे लगा देना, लेकिन भी में कभी नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, अपना ठीक कर पहले यहाँ तक, ठीक है ना, देख लो अपना, ये म्यू है, म्यू है, ये हमारा म्यू नॉट है, ये भी है, ठीक है ना, ठीक कर लेना थोड़ा थोड़ा, ज्यादा हो तो कॉपी पर लिख लेना, बात खत्म हो गई, ठीक है ना, बुझ रहा ना, देखो ऐसे ठीक है, लिखल ठीक है, बट थोड़ा बहुत देखो, इंसान ने लिखा, भगवान थोड़े लिखा है, तो ये क्या है म्यू है, ये हमारा म्यू नॉट है, ये हमारा भी है, भी, ये हमारा भी है, भी, ये भी को हाफ एम बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये आठ गलत है, ये आठ का होता है, यहाँ मैक्सिमम को एम लिख सकते हो, बोलो mx मैं मैक्सिमम, अरे आठ नहीं, वो है गड़बड़, ये हो गया म्यू, ये हो गया म्यू नॉट, ये हो गया म्यू, ये हो गया म्यू नॉट, कचिरे
थोड़ा दिख रहा है जितना लिख। हो गया ना, आठ कहां से आया रे, आठ को ऊंची होता है बीच में, आठ नंबर में आएगा है ना। है समझ गया, बस आइंस्टीन का एनर्जी में क्या हुआ, आया एच म्यू, एगो हुआ वर्क फंक्शन, एगो हुआ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस हो गया। लिख लिया सब लोग, कह नहीं कर सकते हैं? अब तो करल करल है, करल का को करने में क्या है, नया करने में हालत खराब है। पहले वैक्यूम ट्यूब तैयार करो, फिर कैलकुलेशन का मशीन रहे सब, तो ना इसी थोड़े हो जाता है, इसीलिए ना आईआईटी कॉलेज बना है, काला बना है वो। अरे कॉलेजवा बनाया काला है, रिसर्चे सब कर लेना बनाया, लेकिन भोचुआ सब नौकरी लगी जा रहा है, हमारा जल्दी ज्वाइनिंग होगा, चलो हुआ। अरे 1 करोड़ क्या हुआ, 50 लाख देता बार राजा हो गए हम, हमको कहा है ना, तो मजबूरी है, अब गांव में बेचारे को 10 रुपया नसीब नहीं है, और वहां 50 लाख बोल दे तो कहीं ना कहीं तो झटका लगवे ना करता है। देखो पढ़ना है तो पैसा नहीं देखो, लेकिन हम लोग क्या करोगे, जन्मे से पैसा दिखाया गया है, बउआ के अट्रैक्टर करना है ना तो 10 रुपया दो आ जाएगा है ना, तो बउओ को सिखा दिया कि पैसा दोगे तो आएगा, कुरकुरे खिलाओगे तो आएगा, यही समस्या। हाँ फोन, हाँ डोरीमोन है ना, हाँ मोटू पतलू है ना रे, तो उस सब तो बानर सब का आदर, और जान के लगाएगा, तोरा देखना है तो तू कार्टून देखो, कुछ गड़बड़ सड़बड़ मत देखो ठीक है, कार्टून में कहा नहीं दिखा देता है ना, नौटंकी नौटंकी में देखता है नहीं, हाँ मोटू पतलू तू भी देखता है लगता है, अरे चल देखो। अब देखो यही को क्या कहे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज दे ले, ध्यान से देखो बउआ, ये म्यू नॉट क्या है खाली बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो सके, जाए नहीं सिर्फ बाहर होगा, तो वही यहां पर कह रहा है का कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या होगा, तो कम होगा तो हमें निकलवे नहीं करेगा, तो ये कह रहा क्या इमिशन बिल तो ठीक है, नो इमिशन, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, एकरा से कम दोगे तो, एकरा से कम दोगे तो निकलवे नहीं करेगा, ओकर बराबर देंगे तब तो जैबे नहीं करेगा, वो निकलेगा सिर्फ, हाँ उसको जाने के लिए और ऐसा ज्यादा चाहिए, जैसे कभी कभी होता है ना, जाना है हमको घर है, 50 रुपया भाड़ा लगता है, अब 85 रुपया दिया है कोई, तब जैबे नहीं करेगा, कहेगा 20 रुपया और दो पहले, मान लो तेरा सब्जी लाने जाना है 20 रुपये किलो देता है, अब 20 रुपया दिया था हम काला जाएंगे, हमारा फायदा कुछ है, 20 रुपया का तो सब्जी हो जाएगा, ना 2-4-5 रुपया और डंडी मारना होगा है ना, वही समझ गया कि नहीं समझ गया, तो वही चीज है, जितना जरूरत है उतना से सिर्फ निकलेगा, मैंने घर से निकलेगा फिर सोचेगा 50 रुपया तो भाड़े है, अब 85 रुपया में जाएंगे, यानी दादा से मिल लेते हैं ना 10-5 रुपया उनसे जो जुगाड़ हो जाए, तो वही हुआ, यहां से यहां तक रहेगा तो क्या होगा, इमिशन विल टेक प्लेस बट द क्या है इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बी हैव नो काइनेटिक एनर्जी, जाइबे नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा, समझ में आया, अगर एकरा से ज्यादा हो गया इन दिस केस इमिशन भी होगा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी प्राप्त करेगा, समझ गया ना, भारती जा रहा है के बोलो दो पन्ना। अब देखो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो यही तो फोटो इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर का हुआ था कहानी, नहीं तो फिर आइंस्टीन का तो महानताएं खत्म हो जाता, ठीक है ना, बेचारे हाइगेन साहब हार गए थे, इनका तनी दबदबा बना, ठीक है ना। देखो तो क्या करे, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन ही प्रूव कर दिया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है आइंस्टीन के अनुसार, यहाँ क्या, इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर रेडिएशन बिहेव्स इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइट क्या है, एक तरह से पार्टिकल नेचर का है, और वो किस रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है, इच फोटोन
हैव एनर्जी एच म्यू 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 भी है लिखल मैंने किताबी भाषा में म्यू सही है, किताबी भाषा में सही है, लेकिन तेरे भाषा में मैं उलटने बोलता हूँ जान के कि तोरा भी और म्यू में अंतर बुझा है, ठीक है ना। मैंने ऐसे एच म्यू ऐसे लिखना, तो प्रत्येक फोटोन का एनर्जी कितना एच म्यू, ठीक है। फिर क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑल द फोटॉन्स पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी, समझाओ है? बोलो बोलो बोलो। पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक निश्चित है ना, खास पार्टिकुलर, तो उसका सेम एनर्जी होगा क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यार कौन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अभी ना बताया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो E इक्वल टू क्या हो गया एच म्यू, ठीक है ना। फिर क्या, बाई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम, कुछ मतलब समझा क्या, समझा बात को समझो, लाइन में बहुत कुछ घुसल है। इंक्रीज कर रहे हैं किसको, इंटेंसिटी को, रेडिएशन है ना, रेडिएशन के इंटेंसिटी को, मैंने जो लाइट आ रहा है उसकी रेडिएशन को, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी तेज कर रहे हैं, इन कर रहे हैं तेज, तो गिवन फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन, तो यानी क्या हो, एक फोटॉन ना बल्कि चार गो फोटॉन जल्दी जल्दी आया होगा, तो चार गो फोटॉन आ गया बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम, लेकिन सबका एनर्जी तो सेम ही रहेगा, संख्या ना अलग अलग है, एक फोटोन का एनर्जी एच म्यू, एक मरते गिर गया पांच को, तो सबका तो एच म्यू एच म्यू एच म्यू। इंटेंसिटी के मतलब जल्दी जल्दी, जैसे मान लो एक एग्जांपल, पानी देखा, पानी पानी पानी, तो मान लो टंकी से नल से खोलते हैं हम लोग पानी, तो देखना अगर पांच फ्लोर चार फ्लोर तीन फ्लोर का मकान है तो ऊपर वाला जो फाइव फ्लोर है उस पर पानी धीरे धीरे गिरेगा, अगर नीचे होगा तो स्पीड गिरेगा, सबसे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत तेज गिरेगा, अगर कहीं बढ़िया नल है खोल दिया था तो कहीं चोटों लगता, हाथों नहीं सहता है कभी कभी, ये गांव घर में देखे होंगे मोटर का पानी जब डायरेक्ट सप्लाई कर देता है, आप एक गिलास पानी लाइए जाइए तब पता चलेगा कैसे पानी भराता है एक गिलास पानी नहीं भरा पाता है, बता कि फुल गिलास भरने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, देखे कि नहीं। तो वहां पर क्या है, इंटेंसिटी तेज है, क्यों, जल्दी जल्दी निकल रहा है पानी, तो जल्दी जल्दी मैंने क्या, जल्दी जल्दी लाइट जो आ रहा है इंटेंसिटी तेज है, तो फोटॉन जल्दी जल्दी गिर रहा है, तो जल्दी जल्दी एनर्जी ज्यादा नहीं है, एनर्जी एक फोटॉन में एच म्यू है, तब दस को गिर गया तो सब में तो एच एम यू एच एम यू एच एम यू है ना, बुझा गया कि नहीं बुझा गया, इंटेंसिटी चेंज होने से आपका एनर्जी कॉन्स्टेंट है, मैंने इंटेंसिटी कहने का फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, तो वही ना कह रहा है इंटेंसिटी यहाँ पर चेंज किया, इंटेंसिटी क्या है, क्या रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी There is only increase number of photon, है ना? But their energy will remain same. Energy will मैंने क्या चीज़? वो जो photon है उसका energy same रहेगा. पूछ गए हो ना? हाँ. फिर क्या? All the photon travel with the speed of light in a space. सबका speed किसके बराबर होता है? The speed of light के बराबर होता है. Photon का speed. The velocity of photon in different medium is different. Medium change करोगे तो वहाँ पर speed change करता है. Light का speed भी change करता है. The rest mass of photon is zero, है ना? अब यही लफड़ा है. It moving mass can be given as इस तरह से कुछ फॉर्मूले होते हैं. इसका है फॉर्मूला ये. आपेक्षिकता का सिद्धांत. बुझा है? कुछ जानता है? भगवान जाने. हैं? कस के बोलो? भी से? यही तो पढ़ रहा है भी से पोटेंशियल बहुत तेज है देखो ये जैसे रॉकेट देखा रॉकेट डेली देखता है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि वो भी जैसे न्यूटन्स लॉ को फेल कर देता है, देखो करता है, इसलिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ फेल कर देता है, उसका मास चेंज हो जाता है, देखता नहीं है, ऊपर जाता है रॉकेट के अपना ईंधन को कम करते जाता है, क्योंकि ईंधन कम करेगा तब ना वो गैस पीछे की ओर होता है, उसका जो प्रेशर देता है, धुआं जो उतना देख रहे हो कहां से देख रहे हो, उसका कहीं ना कहीं फ्यूल घटता है धीरे धीरे, तो फ्यूल घटता है तो उसका मास घटे लगता है,
आज तक लेकिन जिंदगी में हम लोग पढ़े मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन मास तो वहां वेरी करे लगता है। जैसे मान लो रॉकेट है, अब कोई 1000 kg का रॉकेट है, तो हमें 100 लीटर पेट्रोल हो तो होगा, तो पेट्रोल तो धीरे धीरे घटेगा, तो मास घटेगा कि नहीं घटेगा वहां। लेकिन जनरली हम लोग क्या जानते हैं, मास कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट है तबे एफ बराबर एम एस सही है, मास कांस्टेंट है तो एफ बराबर एम एस सही है, नहीं तो गलत है। तो वहां गलत तो है ही है, वहां पर मास कांस्टेंट के लिए स्पेशल न्यूटन्स लॉ सही है, उसके लिए फिर चेंज इन मोमेंटम सही है। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बना है, वहां वहां मास को कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसलिए बराबर एम में आता है। तो यहां रेस्ट मास, तो ये एक सिद्धांत दिया गया था रिलेटिविटी का, तो उसके द्वारा जैसे यहां पर देखो वेलोसिटी जो हमारा है, अगर हम मान लें कि सी के बराबर है, सी माने स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसका, जैसे फोटोन है चंडाल, तो फोटोन का स्पीड क्या होता है, लाइट के स्पीड के इक्वल होता है, तो लाइट के स्पीड के इक्वल तो ये क्या हो गया, भी है म्यू ना भी, भी बराबर सी, तो भी बराबर सी यहां रखो, यहां क्या होगा सी, तो सी सी जय श्री राम, सी सी जय श्री राम, तो ये क्या हो गया 1-1 0, तो क्या हो गया एम इक्वल टू एम नॉट बटा जीरो, तो क्रॉस गुना कर दो तो एम नॉट बराबर क्या हो गया जीरो, एम नॉट क्या है फोटोन का मास है, ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। हाँ अब ज्यादा दिमाग न लगाएं, तत्काल मान के चले, क्योंकि इसकी सिद्धांत एक अलग दुनिया है, आपको विशेष कहीं पढ़ना नहीं था, इसलिए मैं इस पर छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस समझ रट्टा मार लेगा ऑब्जेक्टिव में आता है का रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, कैसे तो यहां से बुझलू, अरे यहाँ 1-1 होगा तो क्या 1-1 0, यही मास फोटोन का है, तो फोटोन का गुना क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड का कितना होना चाहिए, स्पीड हमारा भी के माने भी बराबर सी होना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए। चल अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फिर क्या, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, माने फोटॉन जो लाइट आता है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसको कोई प्रभाव नहीं करता, इसीलिए कहते हैं न्यूट्रल है, वही कह रहा क्या दैट इज ना है व्हाई फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत 4-5-6-7 को पॉइंट है जो। हाँ बोलो बोलो कुछ बोला का बोले है ना, लेकिन चंडाल फेल कर गया, ये भी फेल किया ना, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तब ना ये आया पार्टिकल नेचर वाला, हाइगेंस वाला फेल किया तब ना, देखो क्या करा है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, हाइगेंस का वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स में नहीं पढ़े तो थोड़ा कष्ट होगा, ऐसे हम वेवो लेके आए थे, हम सोचे थे पहले वेव पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोचे वेव पढ़ाएंगे तो फिर पगला जाएंगे, रे कोई पढ़ा रहे हैं वेव कोई पढ़ाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा, टाइम बचेगा तो पढ़ा देंगे। चलो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरिड बाई लाइट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बट एक्चुअली इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जो वेव थ्योरी था, वेव थ्योरी वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट इनर्जी कैरिड बाई लाइट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, वहां जब वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ा जाता है तो वहां पर इंटेंसिटी के रूप में मेजर किया जाता है, लेकिन यहां जो इनर्जी मेजर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में कर रहे हैं, यहां से इसीलिए पहला पॉइंट फेलियर कहां हुई, वो वहां इंटेंसिटी करता था, यहां इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब इनर्जी, इंटेंसिटी का मतलब करंट, तो इसीलिए कह रहा है यहां पर फेल का पहला पॉइंट कि उसमें किसके दिए और हम लोग मेजर करते थे टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बट एक्चुअली इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन इज पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सर्फेस ऑन ऑल द फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर फ्रीक्वेंसी से नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन वेव थ्योरी में कहा गया कि डालो और निकलेगा, डालो और निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तब तो पता होता कि आग में हम पानी चढ़ाते, आग जहां जल रहा है पानी डालते तुरंत गर्म हो जाता आ जाते, थोड़ा सा भी आगे को मोमबत्ती जला के भी गर्म कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सर्फेस ऑन ऑल द फ्रीक्वेंसी बट दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज देयर एग्जिस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन, इससे कम होगा तो इमिशन नहीं होगा, विल टेक प्लेस से नहीं निकलेगा वो, है ना। अब आया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बोले इसे बहुत लड़ रहा है, कभी
करता है, कभी वेव करता है। डी ब्रोगली अपना हाइपोथेसिस लेकर आए, संकल्पना एक आए लेकर के, मैंने सही तो अभी तक गलत था का? अरे सब अपने अपने दुनिया के लिए सही है, तुम भी जो अभी बोल रहे हो सही, हम भी बोल रहे हैं सही है, क्योंकि हो सकता है हमारी आवाज अभी तक हम जो ज्ञान है वही ना बोलेंगे, हो सकता है कोई और आया था नहीं ये गलत बोला है यही से होगा। अभी भी इसमें बहुत कुछ है, हम कन्फ्यूजन वाला बात नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं कन्फ्यूजन, वो घर जाके सोचते रहेगा ऐसा कैसे हो गया, अगर ऐसा नहीं तुम नहीं सोच पा रहे, लेकिन पीछे की भी बहुत कहानी होती है ना। लेकिन देखो अब मजबूरी है, कोई एग्जाम में लिखना है तुमको, अब रिसर्च की बात तो है नहीं कि चलो भाई आज लाइफ में आज इसी पर रिसर्च चलेगा आज दिन भर, तुम्हारा टेंशन है यहाँ मैथ का होगा, तुम्हारा टेंशन हिंदी का क्या होगा, तो इंग्लिश का, मैंने बात तो है नहीं यार, कभी चलता डी ब्रोगली तो कभी चलता हुआ इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर हो देखे पड़ता है कि भारतीय सभ्यता क्या है ना। तो यही समस्या है ना हमारा, विविधताओं का देश है ना भारत, सब कुछ देखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा सब देख लेंगे है ना, जहाँ जरूरत पड़े रिसर्च हो जाएगा, जहाँ जरूरत पड़े उटंग पुटंग भी होता है। देखो क्या अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग पार्टिकल, कहीं गलती ना, हाँ समटाइम्स एक्ट बेब बेब सेब लिखा गया है, बेब करो पहले, जैसे देखो चैप्टर का नाम बड़ा जबरदस्त है ड्यूअल नेचर है ना, द्वैत द्वैत माने दू जिसको दोगला हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये दो नेचर का है, जैसे लाइट को तो हम लोग बेब में दर्शा देते हैं, लेकिन अगर बॉल बॉल समझ तो फुटबॉल है? तो फुटबॉल को जब फेंकते हैं तब तो लगता है कि सीधे कण के रूप में आया, चंडाल वो कहीं नहीं बेब के रूप में दिखता है, जब ड्यूअल नेचर प्रूफ हो गया है तो क्यों फ्रीक्वेंसी कम है चंड। ये आज प्रूफ करके रहेगा। देखो जो डी ब्रोगली साहब बताए थे यही प्रूफ किए थे, डी ब्रोगली साहब यही वाला बात प्रूफ किए थे, लैम्डा इक्वल टू एच वाई पी, पी मोमेंटम, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो गौर करना ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और वेवलेंथ समझते हो, तो वेवलेंथ तो हमारा ऐसे ऐसे होता है, यही ना उछल कूद, थोड़ा समझ ना, थोड़ा समय समझ में आ जाएगा कि दुनिया में सब कुछ गोलमटोल है, हम लोग तो अभी तक खाली लफड़ा में पड़ल थे। देखो तो ये है वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम जरूरत से ज्यादा कम, 9.1 समथिंग पूरा निगेटिव में, तो माइनस में पावर, तो ये लैम्डा वेवलेंथ है मास के इनवर्सली, अगर मास यहां डालेंगे निगेटिव में 10 के पावर समथिंग, माइनस में ऊपर जाके होगा प्लस में, आई है हमारा एच प्लैंक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, इससे तो कोई नफरत है नहीं इसको, तो ये ऊपर जाकर के हमारा वेवलेंथ को कुछ ना कुछ दिखाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास तो ऐसा हुआ, लेकिन फुटबॉल के मास है कितना, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 kg आधा kg, तो 1 kg यहां मास डालेंगे तो कर फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम आएगा, माने सॉरी वो कर लैम्डा तो बहुत कम जाएगा ना, तो ऊपर जाकर के क्या होगा, ये घट ना जाएगा, 1/2 में है ना, अरे एच का मान क्या 10^-34 ना, एच का मान कांस्टेंट 6.624 या 6.67 इस तरह से, आपका 10^-34 तो -34 आएगा नीचे, +34 अब +34 से भाग दो किसी को 2 kg मास हो गया 2 × 10^34 ये तो बहुत छोटा हो जाएगा इसका वेवलेंथ, अब छोटा वेवलेंथ का मतलब क्या, इच्छे 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 ये दिखेगा तो सीधे ना, माने थोड़ा 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 है तो दिखेगा सीधे ना, ये भी बहुत ज्यादा हो गया,
मास के अकॉर्डिंग टू देखो 10 के पावर 34 से भाग दो भैया, 1/10^34, 34 को 0 भाग देंगे तो बवाल ना हो जाएगा। तो इसीलिए इतना छोटा वेवलेंथ है कि दिख ही नहीं सकता। अब पार्टिकल नेचर में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं वो कर है निगेटिव में मास, 10^-, और ऊपर जाता तो हो जाता हो प्लस, तू तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो इसीलिए उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो दिख जाता है। बुझाया नहीं तो अभी तक तो लग रहा था बॉल सीधे चलता है, अब मास्टर ने पढ़ाया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, अब पत्थर का टुकड़ा फेंकते तो लगता सीधे आता है, आता तो रियल में तुमको दिखता सीधे, लेकिन वो बेब नेचर भी है लेकिन इतना कम है कि दिख नहीं पाता। कुछ कुछ बुझाया कि सच्चे में ड्यूअल नेचर है। इसीलिए लाइट को अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से ढाल लेते हैं, कभी क्या क्या है, समटाइम्स एक्ट एज वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल। कुछ कुछ मान लो ऐसा होता होगा, कसके बोलो कसके, हाँ अर्थ का मास, तो मास ज्यादा है चंडाल, नीचे मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम ना जाएगा रे, तू तो बवाल कर देगा। मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ कम दिखेगा, तू खुद सोचो दिखेगा, ये देख लेगा। अरे 1/ मान लो कि कितना केजी है पृथ्वी पता है ना, अच्छा ना भाई 1000 kg होते ज्यादा ना होती था। अरे कुछ है तो नीचे में पॉजिटिव मास है ना, तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव ना हो जाएगा, तो बहुत कम ना हो जाएगा वो मास, कम रहेगा तबे दिखेगा, मास ज्यादा रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स होता है क्या है, जितना छोटा जितना कम से कम, जैसे न्यूटन फेल कहां कर गया, फेल कर गया भैया, तुम बोलता है कि F=ma होता है, तो ma होता है एक्सेलरेशन होता है, बस तू फेंकते हैं तो जाता आता है, इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं और दिखवे नहीं करता कने है जा। अब तराजू पर रख दिए दो इलेक्ट्रॉन, अब न्यूटन ला कहां जाएंगे, तोल रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन तोला ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ना क्वांटम फिजिक्स का यहां पर जरूरत पड़ गया, वहां पर हमारा मैकेनिक्स में तो बढ़िया पढ़वे के, चलो उतना ज्यादा नहीं, बिहार बोर्ड है हम लोग, बोर्ड के हिसाब से चले और तो ज्यादा फायदा में रहेंगे, ज्यादा नहीं तो देखो अब हम लोग रिसर्चर बन जाएंगे बोर्ड में फेल कर जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसा भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ सुधार कर दिए होंगे सेव को वेव, ठीक है ना, वेव और समटाइम्स क्या है पार्टिकल, ए वेव एसोसिएट विथ मूविंग पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट, यानी वहां पर क्या है कि उसका जो कंट्रोल होता है पार्टिकल का, वो हम लोग एवरी जो पार्टिकल उसको किसको वेव के रूप में भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वेव इज नोन एज डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव, इसको हम लोग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बराबर एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, सी के एस प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, तो प्लैंक्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, मैक्स प्लैंक, ठीक है ना, हाँ प्लैंक्स PLNCKS, इसको के कर दो, मैक्स प्लैंक्स है ना, तो इसको अभी क्या बताया हम लोग, E=hμ, तो इनर्जी दोनों है, दोनों इनर्जी है, तो दोनों इनर्जी तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू, तो हमारा ये क्या हो गया, ये ध्यान से देखो, ये हम लोग पढ़े हैं लैम्डा इक्वल टू सी वाई म्यू या म्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये है म्यू, तो हमारा सी बाई लैमडा, ध्यान देते हैं एच म्यू है, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है म्यू है, तो म्यू बराबर क्या हो गया सी बटा लैमडा, एम सी स्क्वायर क्या हुआ एस सी बाई लैमडा, सी से सी ए को टपक गया, तो सी से सी ए को टपक गया तो क्या बचेगा हमारा, किसका मान लैमडा का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैमडा इक्वल टू एच बाई एम सी, क्योंकि दो गो सी में एक के को मरा था, ठीक है ना, ये हो गया हमारा लैम्डा इक्वल टू एम सी, सी क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट यानी भी वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हुआ एम सी, एम सी सी क्या वही कह रहे हैं फॉर ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी भी, भी है जरा वो म्यू नहीं, ध्यान देना बर्बाद हो जाएगा, ये भी भी ये सब क्या है म्यू, ये क्या है म्यू, ये क्या है म्यू, थोड़ा देखने में टेढ़ा लगना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा भी है सिंपल भी, ठीक है ना, जो नोट्स लेगा वो पागल होगा, लो नोट्स अब वीडियो नहीं देखेगा वो, तो पागल होगा कि नहीं होगा, म्यू सी घर जाके क्या कर रहा है, अब फिगर नहीं रहेगा तो पगलाएगा नहीं, तो देखो इसीलिए हम जान कर देखा, नहीं तो फिर रटन तो विद्या हो जाएगा म्यू क्या है सी क्या है, अब उतना कम से कम जरा म्यू सी बुझाए लगा तो कुछ तो जानेगा वो,
अभी क्या हो गया, एमसी थी, क्या होगा एमवी है, जरा एमवी म्यू को इसीलिए देखो, म्यू को हम टेढ़ा कर दे रहे हैं तो आपने पकड़ा जाएगा कि म्यू है, आई सीधा है तो क्या समझना भी है, ठीक है। तो क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू एच बटा एमवी, एमवी माने पी मोमेंटम, सुधार कर लिया ना, देख से इन्हें कि म्यू को सी, सी को म्यू करते रहना तुम, ठीक है ना। देखो ये हो गया पी, पी बराबर क्या होता है एम भी, ये सही भी है, ये भाई भी सही है, हाँ हो गया। चलो तो ये हो गया कौन, डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ है, जैसे हम लोग क्वेश्चन अभी बोले थे कुछ देर पहले, वाई कैन नॉट सी द वेव एसोसिएट विद मूविंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इसलिए नहीं दिखता है अगर मास जो है इलेक्ट्रॉन का बड़ा खतरनाक होता है, और उसका भी तो एग्जांपल समझ ही लिए थे, तो क्या होगा, एज द मास ऑफ फुटबॉल इज मच लार्जर देयरफॉर इट्स वेव लेंथ इज वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन, डी ब्रॉग्ली वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अ स्पेशल केस। देखो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई, यानी इलेक्ट्रॉन का मास हमने एम मान रहा है, उस पर चार्ज ई मान रहे हैं, और ये भी है जरा, तो अब दोनों भी को थोड़ा समझना, ये हमारा भी है और वो भी भूई, एगो वोल्ट वाला एगो भी वाला है, तो आप कैसे करोगे, स्मॉल भी कैपिटल भी समझ लेना, समझ जाएगा, हाँ थोड़ा समझाते हैं, ई छोट का भी लिखना, ई जहां जहां रहेगा एकदम बढ़कर भी कर देना, अपने समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल वाला को बड़ा भी माने अपने समझना, ई छोटा भी छोटू भी, ई जो ऊपर मेरा काट देना है, ई को काट देना, ठीक है ना, ई एगो लिखल है चंडाल ने, ई लिख दिया है और म्यू बुझा रहा होगा इसलिए लिख दिया, छोटा भी इसको काट दो तो चल जा, ठीक है ना, हाँ ई भी दोनों भी, अभी म्यू नहीं है, हाँ म्यू नहीं है अभी ना, कि वो कैसे लपेटना फिर, ठीक है ना, तो म्यू नहीं है यहाँ पर, म्यू की कहानी खत्म हो गया। देखो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी है छोटका भी, इसको समझना, ये छोटा भी छोटू भी छोटू भी, बड़ा दे दिया है लेकिन तू समझना कि छोटू भी है, अब उतना तो तू बुझे रहो भी क्या है म्यू क्या, एग्जाम में खाली ध्यान रखना कि भी छोटा मानना बड़ा मानना पोटेंशियल को। आइए है वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग पढ़वे किए हैं, क्या याद है, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या क्यू इंटू वी, क्यू इंटू क्यू क्या चार्ज, तो चार्ज का जगह कौन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ई भी कैपिटल भी बड़का भी, ये छोटको भी ये बड़को भी, ठीक है ना। चलो आप देखो दोनों क्या है इनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये भी वर्क डन ये भी वर्क डन, तो ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर आई ई भी, देखो फिर यहाँ पर चंडाल वाला काम किया है, हाँ ये म्यू नहीं है भी ही है, छोटू भी ई बड़ो भी, ठीक है समझ रहा छोटू बड़ू, हाँ आप देखो गलती हो रहा है ना समझ जाओगे, देखो अब ज्यादा समस्या जहां रहे ना तो फिर वहां पर जहां भी है वहाँ W का यूज करेंगे, बाहर बाद में अपना काम कर लेंगे, जैसे E भी को W भी तो बोल सकते हैं ना, वर्क डन तो वहां से यूज करेंगे ज्यादा समस्या नजर आए तो अब यहाँ से देखो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एन होगा आई मास डिवाइड होगा तो टू ई भी, ई छोटू भी है ना, ये छोटू भी और टू ई भी है ना, और भी का मान यहाँ से क्या छोटू भी है, छोटू भी रूट में चला जाएगा है ना, और लैम्डा बराबर क्या पढ़े थे एच बटा एम भी छोटा भी है ना, थोड़ा सा समझ लेना आपने सिखा लिया कुछ नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर है तो भी है और इलेक्ट्रॉन वाला रहेगा तो क्या होगा बड़का भी मतलब पोटेंशियल होगा, ठीक है नहीं समझा, अब देखो जो नहीं समझ रहा हो रहा फिर घरे जाके कुछ नहीं बुझाएगा, अब भी यू में लपटा गया था, देखो ध्यान से देखो ई क्या आया भी बराबर आया टू ई भी बटा एम, आई एच बराबर हम लोग जानते हैं एम भी, तो ई वाला को मान इसमें रखेंगे हम किसका भी कमा, तो देखो यहाँ भी कमा रखे एम बाहर है ना, तो एम अंदर जाएगा तो दो एम होगा नहीं होगा, अब इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा एच बटा कितना एम स्क्वायर इंटू टू ई भी बड़का भी आई एम, एगो एम मरेगा ना तो टू ई एम भी इस तरह से कुछ होगा, देखो वही ना एम स्क्वायर तो एम एगो कटेगा तो क्या होगा टू है ना एम ई भी, यही वो एच, एच हमारा क्या होता है 6.64 10 के बार -34 और हमारा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी हमारा पोटेंशियल, तो अब हमारा कैलकुलेट करने के बाद आता है 12.2
और ये 10 के पावर माइनस 10 को हम लोग एंगस्ट्रम बोलते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, है ना। यही था हमारा रिलेशन, ठीक है ना, हो गया। चलो हो गया होगा, एक लास्ट होगा। अब कहां सर है, देखो डी ब्रोगली साहब तो एक हाइपोथेसिस दिए, लेकिन इसको प्रूफ किए एक्सपेरिमेंटल यही डेविसन और जर्मर ने, यही इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिए थे, नहीं है तुम्हारे में, है ना। क्या हुआ, तो अब एक्सपेरिमेंट है कुछ तो होगा, बोलो रे। तू बोला ड्यूअल नेचर हम पढ़ लिए हैं, तो बोलो, बुला गया कह रहे। सोच में कहला पड़ गया, समझना है, लिखा नहीं पढ़ जाता है, ले पढ़। अरे क्या बोले थे, कुछ कहे थे, एक यहां तक छोड़ दिए थे सर, ये वाला नहीं पढ़े थे, डी ब्रोगली तक ही पढ़े थे ना। चल पढ़ ले। देखो डेविसन और जर्मर दो वैज्ञानिक थे, तो ये चंडाल साहब जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया यानी जो कहा उसके आधार पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कहते हैं जो सही बात है कहा है, ऐसा ही खाली कह दिए हो गया, ठीक है ना। अगर कॉपिया पर रिलेशन निकालना तो आसान होता, इतना ईटा लगेगा, इतना मिट्टी, इतना गिट्टी, इतना बालू लगेगा, घर बन जाएगा। तो इंजीनियर साहब कलम कॉपी से तो बना दिए, लेकिन अगर काम ठेकेदारी वाला ठेकेदार जो रहेगा वो ना करेगा। अरे रियल में तो वही ना बनाएगा बिल्डिंग, देखता होगा फोटो में बिल्डिंग कैसन रहता है, रियल बनता है तो कैसन हो जाता है। आप ही को फोटो में देखता था बड़ा हीरो है, रियल आता था अरे यही चंडाल था, है ना। मैंने समझ रहे दोनों का अंतर, तो एक होता है आपको कागजी प्रक्रिया यानी वो सोच विचार, एक होता रियल मुझको करके दिखा। देखो कुछ कुछ किए थे, फिगर बनाना है ना, जगह भी होगा थोड़ा सा। देखो बना दे, गलती होगा संभालना अपने आप को, ठीक है ना। गजब है फिगर है थोड़ा। अभी नहीं बनाना, गलती हो जाएगा। अभी नहीं बनाना, खासकर नोट्स में बिल्कुल नहीं बनाना। ए भगवान, गलती हो गलो। बात नहीं, ए बात नहीं, तो गलती होगा तो फिर संभलेगा नहीं, गलती होगा ही थोड़ा। ए गप नहीं,
बात नहीं, बात नहीं। देखो अब छोटा ना होगा, ध्यान से। मान लो यही सब है, हटाओगे तो काहे नहीं हटेगा? समझ में आ ही जाएगा तो तू फिर यहां बैठेगा कि चल जाएगा? चलो यही फिगर है, ध्यान से देखो। कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाओ तो फिर अपना अपना स्थिर से बना लेना। कॉपी बनाओ ना, तोरा इसी में लिखना है परीक्षा में। कॉपी बनाओ, नहीं होगा छोटा ना, ये पीडीएफ पर पढ़ा रहे हैं ना, बोर्ड पर रहता तो हो जाता है। देखिए देखिए, तो नोट्स वहां मिल गया तो थोड़ा मैंने आधा पागल है कार तुरे। बहुत समस्या है भाई, तू बनाओ ना रे छोटा, चो पीछे, जो पीछे से दिखता हो तो जाओ ना पीछे, पीछे दिख जाएगा। अरे आगे से लाइटवा से नहीं दिखता है ना, पीछे चल जाओ। और पीछे जो समझ जाएगा तू, ऐसा रहेगा तो
गया। पचास डिग्री ए बनाने में कैसे मुंह खोल जाता है? हमको तो लगता है खाली देहाती हल्ला करता है, और ज्यादा तो नहीं करता है। कजी बोला, बोलो बोलो। पहले इसको समझा देते हैं और नहीं समझ में आएगा तो दिखा देंगे, है ना कची रे? इसमें है कुछ, एगो फिलामेंट है, निकल का क्रिस्टल ले लो, दो सिलेंडर ले लो, बैटरी ले लो, और कुछ सब है, ये सब तो एगो एक ऐसा हिंदी मीडियम में था, ठीक ना? एक एक ये तो तनी ठीको है कि पढ़ लेता है अपने से भी, वो हर पॉइंट पर रिसर्च करता था। अब ऐसा होकर स्थिति अभी बोला है, पूरा कुछ याद नहीं है। वो कहता ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो कर घर जाके कर करके देखता था। इलेवेंथ में पुल्ली पढ़ाते थे, ये पढ़ाते थे, पूरा घर तोलता था, ठीक है ना? सच्चे में वो कहता द्रव्यमान भार दोनों वाला कुछ हो गया है ना, हम आज जाके देखेंगे। लिखा रहता सर नेट वेट 50 kg है, तो भार है ना, तो भार है तो केजी क्यों लिखा? हमके जाके बोड़ा वाला के पूछ तू का है लिखा। अरे से बाहर होता है बेट, तो बेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है। लेकिन देखो पूरा इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड समझो तो नहीं है, लेकिन जहां तू देखते हो तो नेट बेट क्या लिखा रहा है 50 kg। तो भैया वो भार है कि बेट है, माने बेट अति मास है, और जब केजी में है तो मास न है जी, लेकिन मास लिखता है, लिखता है नेट बेट है ना, नहीं लिखता है 100 ग्राम 200 ग्राम। तो उसको तो लिखना चाहिए था मास, लेकिन गलती से लिखते आ रहा है तो लिखते आ रहा है, और लोग समझता है, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से तो गलती है। फिजिक्स के दृष्टिकोण से जैसे कुल्ली उल्ली है, कुल्ली कुल्ली क्या है, कुल्ली वर्क नहीं करता है, चलता है तो 90 डिग्री फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वहां कहेगा वर्क नहीं, कैसे पैसा नहीं देंगे, बात खत्म, ठीक है? मैंने वो एक से एक रिसर्चर था, ठीक है ना? लो लो समझते हो ना, लो इसका क्वालिटी है अभी बैटरी का, लो टेम्परेचर कर सकते हो। लो टेम्परेचर LV भी कहते हो, लो टेम्परेचर या लो वोल्टेज का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा LV। चलो हो गया, LV कर दो, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लो पोटेंशियल या लिख दो ना लैंग्वेज में, लो पोटेंशियल बैटरी, ऐसे लैंग्वेज में है लिखल बहुत कुछ, पहले पढ़ते हैं। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मिटाएंगे। देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो न्यूटन्स बताए, आइंस्टीन आके भी बताए फोटो इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि भैया यहां से इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गया, तो गया तो किस में गया, पार्टिकल नेचर में गया, तो वहां पर देख लिए। लेकिन अब इसको डिब्रोगली वाला है कि ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर है तो वेव में बताइए। तो देखो जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन, गन समझ ना, बंदूक। तो बंदूक से हमारा गोली निकलता है, लेकिन यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें है क्या, फिलामेंट है, फिलामेंट समझते हो, बॉल वाला फिलामेंट समझते हो ना? अब उसको हम एक इस तरह से सिलेंडर में बंद रखे, ये हमारा जो डार्क है वो सिलेंडर है मान के चलो, उसमें एक छोटा सा छिद्र रखे और इसको लो वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से जो पोटेंशियल किए हैं, और ये जो हमारा फिलामेंट है टंगस्टन का हम लोग वो करता है, इसको हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट को ही से बनाता है, टंगस्टन का बना, इसको बेरियम ऑक्साइड से इसको क्या कर दिए हम लोग, कोटेड कर दिए, कोटेड होता है ना बेरियम ऑक्साइड से, हाँ बेरियम ऑक्साइड का परत डाल दिए, और उसके बाद क्या किया इसको हीट किए, हीट किस पर, लो वोल्टेज, लो मतलब वोल्टेज है तो हीट हुआ ना, गर्म होगा ना फिलामेंट, तो हम हीट किए किससे, बैटरी से, तो लेकिन वोल्टेज क्या कम है, लो है, अगर ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको लो वोल्टेज पर हम लोग ने क्या किया, इसको हीट किया है, ठीक है, यानी कहने का मतलब पावर सप्लाई किया है लो वोल्टेज का। अब यहां से क्या निकला होगा,
इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ होगा किससे, ये हमारा गन जो है हमारा फिलामेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ होगा। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो कहाँ एक्सलरेट होकर के कहाँ जाएगा, वेलोसिटी कुछ मिलेगा उसको, तो वेलोसिटी मिलेगा तो कहाँ जाएगा, सुटेबल माने कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसको हम लोग हाई वोल्टेज पावर वहां पर, जैसे वहां पर जो एक्टिव है ना वो देखो ऊपर में जो बी हमारा है सेल है बैटरी है दोगो, तो वो क्या हाई वोल्टेज है, ये हमारा क्या लो वोल्टेज, इसका वोल्टेज क्या है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज है, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकला इसको हाई वोल्टेज दोनों तरफ दिया हुआ है, तो इसको क्या करे खींचेगा, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसको खींच लेगा वो, तो यहाँ पर हाई पावर सप्लाई पर में देख रहे जितना जरूरत पड़ेगा उतना बैटरी धैल लगाता है, देख रहे हो ना ये क्या वेरिएबल बैटरी मैंने क्या जितना जरूरत पड़े ले लो, ठीक है ना। देखता हूँ ना कभी कभी जैसे कोई पार्टी फंक्शन होता है तो पानी पीना है तो एक बोतल थोड़े लाता है, इतना बोतल ला देता है तू कितना पिएगा, तू बोतल रह जाएगा भरल मंजूर है लेकिन तोर पानी नहीं खत्म होता है, नहीं देखता जैसे अरे आजकल देखते ना बिस्लरी वाला बोतल का पानी का रखना पड़ता है ना, तो आज में पीने के लिए ऐसे तुम घर में डेली एक बोतल मंगवाओगे लेकिन जब शादी पार्टी रहता है तो तू एक आध ट्रैक्टर मंगवा लेते हो कि जितना पीना पियो, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हाई वोल्टेज है, खूब सारा बैटरी है, खूब सारा सेल, जितना जरूरत है ले लो, यहाँ है लो तो यहाँ फिक्स है, ठीक है। चलिए तो वहां से उसको मिला, तो जैसे ही उसको मिलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाके टकराएगा, और वो जो हमारा ये वाला चंडाल है निकेल का क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझबे करते हो, ये निकेल का क्रिस्टल है, तो एकरा से जाकर टकराता है, ये रियल में ऐसे है ऐसे है, लेकिन क्रिस्टल तो हर तरह के आकार में पाए जाते हैं ना, तो उसको हमने यहाँ पर टकरवाया, तो यहाँ पर टकराने के बाद जो हमारा क्या होगा, वहाँ जो ये वॉश सिलेंडर है इसके होल से ही पास किया है, तो इसके होल से जो पास किया है तो कहने का मतलब कि ये निकेल के क्रिस्टल से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग मतलब समझबे करते हैं लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो क्या होगा इस तरह से बिखर जाएगा, एक तरह से चारों तरफ बिखर जाता है, तो जब चारों तरफ बिखर जाता है तो इसमें जो हमारा एक ये सेंसर लगा हुआ रहता है, सेंसर से घुमा के देखते रहता है कि कहने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बिखरा है, ठीक है ना। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन बिखरा है तो 50 डिग्री पर वो मैक्सिमम बिखरता है, सबसे ज्यादा 50 डिग्री पर उसको बिखरता है, तो जो हमारा वहां पर डिटेक्टर है वो जिसको हम लोग सेंसर बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो क्या करता है वो घुमाते रहता है, तो फाई एंगल जिसको हम लोग 50 डिग्री बोले वहां पर उसको क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, तो हम लोग अथी में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हुए डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, इस तरह से जब क्या कहते हैं इंटरफेरेंस होगा ना, इंटरफेरेंस में इस तरह से पढ़ते किताब होता में देखा होगा इस तरह, ये जो मैक्सिमम होता है यहाँ पर जब इंटरफेरेंस होता है फिर इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से चलता है, यानी इस तरह से इंटेंसिटी की बात होगी, इंटेंसिटी की इस तरह से जब इंटर माने जब ज्यादा लाइट को इंटरफेरेंस कराते हैं, दो लाइट को इंटरफेरेंस कराते हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अगर नहीं पढ़े तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर आपका इस तरह से इंटेंसिटी के रूप में दिखाता है, यहाँ पर 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी डिग्री पर दिखा रहा है, इंटेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, यानी जब हमारा क्या होता है दो वेव क्या होता है ओवरलैप करते हैं तो ही इसका गुण यहाँ पता चल जाता है कि हमको 50 डिग्री पर क्या होता है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर जो पोटेंशियल उस टाइम होता है 54 वोल्ट का होता है, उस टाइम 54 वोल्ट का होता है, तो उसका अगर ग्राफ हम लोग को बनाने कहेगा तो उसका ग्राफ भी हम लोग नीचे जगह छोड़े होंगे एक जमा और आगे, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, इस तरह के ग्राफ एक और जगह होगा आगे, इसके आगे भी होगा थोड़ा सा जगह है ना कहीं, तो यहाँ पर यह स्कैटरिंग है, मान लो स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल ये जो हमारा एंगल है ये 50 डिग्री है, ठीक है ना, और ये हमारा इंटेंसिटी है, ये हमारा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है 50 डिग्री पर हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो और जहां जगह होगा ये छोटा सा ग्राफ बनेगा उसमें, ठीक है, तो बना लेना अगर इच्छा करे तो। अब इसको हम दिखाते हैं इसको मिटा करके, बाकी तो सब कुछ समझ ही ले होगा कौन क्या है जो, ठीक है ना, अब इस नहीं समझा इसमें फिगर में और कहीं कोई दिक्कत, अब इसको प्रूफ कर देंगे कि थीटा क्या होगा वो सब निकल भी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है एक लाइन है ना, एक लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 होगा तो क्या होगा थीटा प्लस फाई और प्लस थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया फाई प्लस टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यही ना है आगे यही चीज होगा, और फाई का मान कितना मैंने बोला है 50, तो क्या हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50, तो टू थीटा इक्वल टू कितना होगा 130, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 65 डिग्री, 65 ना, तो थीटा इक्वल टू 65 डिग्री, देखो ब्रैग्स इक्वेशन होता है, ब्रैग्स इक्वेशन होता है ये थोड़ा सा याद रखना, ये हम लोग डिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं इसे, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है 2d sin थीटा
एन लैमडा होता है, ये ब्रैग्स इक्वेशन होता है, ब्रैग्स लिखा होगा आपको नोट्स में, ठीक है ना, 2d साइन थीटा एन लैमडा, ठीक है ना, 2d साइन थीटा एन लैमडा, एन का मान हम लोग वन ले लेते हैं, जरूरत पड़ने पर एन का मान वन लेते हैं, एन का मान वन लेंगे तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैमडा, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैमडा, ये लैमडा क्या है, लैमडा हमारा एक तरह से वेवलेंथ है, लैमडा हमारा क्या है, वेवलेंथ है। देखो यहाँ दो चीज है, एक फॉर्मूला भी, चुप, एक फॉर्मूला भी ऊपर में पढ़े थे, लैमडा इक्वल टू 12.2 बटा रूट अंडर भी पढ़े थे, डिब्रोगली वाला भी और एंगस्ट्रम में पढ़े थे, तो ये जो देखो 12.2 और ये जो हम लोग रूट भी लेते हैं, तो भी मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना, 54 बोले थे ना भी, 54, तो ये यहाँ 54 डालोगे ना कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ 54 वोल्ट अगर डालोगे और ये एंगस्ट्रम में है, इसका भी कैलकुलेशन करके वही आएगा लैम्डा इक्वल टू यहाँ 1.67 एंगस्ट्रम। एक वहां से हम लोग भी कर सकते हैं, यानी ब्रैग्स इक्वेशन से भी और डिब्रोगली से भी, दोनों से सेम आता है, देखो दोनों का सेम ही होगा वहां पर, देखो एक अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली होगा, एक अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन होगा, तो दोनों से हमारा सेम आता है, क्या चीज, वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ किस में होता है, वेवलेंथ तो हमारा वेव में ही होगा ना, लैम्डा का मान क्या होगा, पार्टिकल नेचर में थोड़ी होगा, वेव नेचर में होगा, इलेक्ट्रॉन तो गया किस नेचर में, पार्टिकल नेचर में, इलेक्ट्रॉन टकराया किस में, पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन टकराया पार्टिकल में, स्कैटरिंग हुआ होगा तो पार्टिकल में, लेकिन उसको जब सेंसर से तो चारों तरफ चेक किया तो वहां वेवलेंथ उसका नजर आया, कितना नजर आया, 1.67 एंगस्ट्रम। तो यही डेविसन और सॉमर का एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूफ हो जाता है कि रियल में पार्टिकल जो है ड्यूअल नेचर का है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सीधा लाइन में जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सीधा लाइन में जाते क्या, पार्टिकल नेचर का व्यवहार किया होगा, क्योंकि हमने क्या किया, गन से छोड़ा है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को फेंका तो सिंपल दिख रहा है कि क्या है, पार्टिकल नेचर का। डी का मान वहां देना है, देखो ना, डी बराबर 0.9 नहीं देना है, ये आपको डिफ्रैक्शन में पढ़ना था वहां पर, ठीक है ना, ब्रैग्स इक्वेशन में कांस्टेंट मान है वो, ठीक है, इसीलिए तो मैंने दोनों से दिया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली भी है, देखो नीचे, अगर वो ना समझ में आवे ना, ये वाला पूरे काट दो, डायरेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर ज्यादा नहीं, मैंने दोनों से दिया है, देखो नहीं दिया नीचे, देखो ना वही सेम बात है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अभी पढ़ाया ना, तो डी ब्रोगली से तुम देख लो, अगर वो नहीं याद है तो, ठीक है ना, हो गया ना। चल अब थोड़ा सा पढ़ देते हैं एक लाइन और, इसमें जो लिखल है, जो अभी बोले सब लिखल भी है लैंग्वेज में आपको, देखो इसको मिटा देते हैं, फिगर तो बना ही लिए होंगे, ये वाला फिगर बना लिए थे ना, ना जयबा, लास्ट है बस दो मिनट और, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइज, ई हटा दो, ई नहीं होगा वहां पर, कंप्राइजेज होगा ना, ई नहीं होगा ना, ई हटा दो, COMPRISES, comprises, E हटा दो, of a tungsten filament coated with barium oxide and heat by low voltage power supply, है ना, उसको हीट करते हैं कहाँ और सप्लाई कितना, लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई द फिलामेंट, बात नहीं करो दो मिनट में सब हो जाएगा, देखो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई द फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड टू ए डिजायर्ड वेलोसिटी, है ना, बाई अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल फ्रॉम ए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, उसका अपने हिसाब से पोटेंशियल देंगे, जब हाई वोल्टेज है तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। फिर क्या, दे आर मेड टू पास थ्रू ए सिलेंडर विथ फाइन होल्स, अच्छा सा एक होल होता है, अलोंग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग ए फाइन कोलिमेटेड बीम, द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सर्फेस निकल क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटरिंग इन ऑल द डायरेक्शन वाई एटम्स ऑफ क्रिस्टल। फिर का वर्किंग, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड टू फॉल ऑन निकेल क्रिस्टल कट अलोंग क्यूबिकल एक्सिस पार्टिकुलर एंगल, क्यूबिकल क्यूब जैसा है ना कट किया हुआ, तो वही एक पार्टिकुलर एंगल के साथ, द स्कैटरिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर व्हिच कैन रोटेटेड एट एन एंगल फाई, है ना। फिर क्या, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम इज फाउंडेड टू बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री, तो 50 डिग्री तो उसका सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना पर, 50 डिग्री पर है इंटेंसिटी उसका, एंड द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज 54 वोल्ट, अगर उस टाइम पोटेंशियल हमारा 54 वोल्ट का है, हमारा वहां पर 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा हमारा क्या मिला है, वहां पर मैक्सिमम स्कैटरिंग मिला है वहां पर, ठीक है, और यहां पर फिगर हो जाएगा। फिर क्या, द अपीयरेंस ऑफ पीक इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोग पढ़ते हैं जो इंटरफेरेंस होता है दो तरह के, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, देखो ए अच्छा
अच्छा चलो, अच्छा चलो ना, ये वाला थोड़ा मैंने पीडीएफ में है, ये ना है, ये वाला कम दिखता होगा, वो वाला ज्यादा दिख रहा था। देखो तो वही होता है, जैसे देखो ध्यान से देखो, ये जो वेव होते हैं ना इस तरह से, जैसे वेव है तो मान लो ये दो गो वेव है, एक ये वाला, ये सेम फेज में मिला, सेम फेज में, तो इसका जो नया वेव बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हमारा जैसे वेव है, ये मान लो हमारा एक वेव है, और दूसरा जो वेव हमारा है, दूसरा मान लो कि इस तरह से है, तो पहला से नीचे आ गया ना, या हो सकता है कि अब कोई ऐसे आ जाए, तो ऐसे आ जाए, तो इसका जो रियल आंसर जो अब आएगा, तो ये मान लो ये हमारा मान लो येलो लेते हैं, तो ये और कम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। जब सेम फेज में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव, जैसे आपने देखे होगा डीजे में लाइट जलता है, डीजे सब में जो लाइट जलता है हर कलर हर डिजाइन, तो वहां देखना एक बल्ब में चार लाइटेड रहते हैं, जैसे एक मेन बल्ब होगा उसमें दो तीन गो बल्ब रहते हैं, और जब लाइट जलते हैं तो बढ़िया से देखोगे नीचे, तो कहीं कहीं इस तरह से आकृति भी बनेगी, गोल गोल का इस तरह से आकृति बनाएगी, तो यहाँ चमकीला नजर आएगा लेकिन यहाँ अंधेरा नजर आएगा, तो लाइट लाइट मिलके भी डार्क हो जाते हैं, मैंने दो लाइट जलाने के बाद भी अंधेरा हो जाता है, तो लाइट जलाने से अंधेरा, ये तो टेंशन वाला बात है कि नहीं बात है। अब मान लो जो डीजे वाला चंडाल है, अगर उसको लाइट की जरूरत है तो एक हैलोजन जला लेता, अगर उसको लाइट जलाने के तो 20 को बल्ब जलाने की क्या जरूरत है उसको, एक हैलोजन जला लेता, लेकिन वो लाइट के लिए नहीं लाइट जलाया है, वो ब्लैक के लिए जलाया है, वो अंधेरा के लिए लाइट जलाया है, क्योंकि लाइट के लिए तो हैलोजन ही काफी है। हाँ भाई, मैंने लाइट के लिए तो एक क्या, अगर मान लो बड़ा वाला लाइट जला दे तो एक लाइट से पूरा इंजोरा हो जाएगा, लेकिन वो लाइट के लिए नहीं, वो अंधेरा के लिए लाइट जलाया है। जैसे आप देखते होंगे रेस्टोरेंट सब में, वो क्या बड़का बॉल जलाएगा, नहीं जलाएगा, वो जितना अंधेरिया रही है ठीक है ना, हाँ, और बॉल जलाई है तो कम लाइट वाला जलाई, तो वो सब क्या है अंधेरा के लिए लाइट जलाता है। अब सोच लो कि कैसा जमाना है, ठीक है ना, तो वही चीज है, तो वहां पर वही होता है, लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्क, तो वही है कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव, और लाइट प्लस लाइट चमकीला लाइट, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव ऑप्टिक्स का वो अलग नजारा है, उसकी समझ में आया कुछ? तो चैप्टर एक ड्यूअल नेचर कंप्लीट हो गया, और फायदा हुआ तो ठीक है, घटा हुआ तो और ठीक है, टेंशन खत्म। देखो हाँ, आप देखो जो क्रैश कोर्स का विद्यार्थी है उसका 3 बजे हिंदी का क्लासेज है, ठीक है, तो जो पढ़ना चाहेगा हिंदी 3 बजे पढ़ लेगा, और बाकी कल संडे है, तो जिसको देखो अगर रियल में, खासकर बिहार बोर्ड में, हम सीबीएसई को तो ना बात करें क्योंकि पैटर्न बिहार बोर्ड का टेस्ट का है, तो जो रियल में अगर टेस्ट देते हो तो आपकी औकात यही दिखती है, ऐसे हम बकने के लिए हम कुछ भी बकते हैं कि हम बहुत महान हैं, लेकिन महान बकना के मतलब आपको इसमें निकलना होगा, है ना, और एक टेस्ट नहीं, आप रेगुलर टेस्ट होंगे, अभी कल टेस्ट सुबह 6 बजे, सुबह 6 से 8, जिसको आना होगा कल फिजिक्स का टेस्ट होगा कल संडे, नहीं इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स, जैसे बिहार बोर्ड का सेम पैटर्न है, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन शॉर्ट, 6 क्वेश्चन लॉन्ग, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट, ये आपका लॉन्ग रहेंगे। हाँ बोलो, चैप्टर एनसीईआरटी से 1 से 4 नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म नहीं, मैग्नेटिज्म से पहले, जहां से मैग्नेट स्टार्ट होता उससे पहले, बीस एक दिन छोड़ के, ऑर्गेनिक का होगा टेस्ट, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, एडमिट कार्ड पर दिया होगा, सबका एडमिट कार्ड दे दिया था ना, रुक जाओ एडमिट कार्ड देगा, चलो ऑनलाइन वाले भी टेंशन ना लेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला बोला जाता है, बाप रे बाप, रुक जाओ, बोलो ऑफिस से एडमिट कार्ड देगा, सब भीड़ लगाओगे देवे नहीं करेगा।